राइट सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन एंड टुडे जिस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यूट्यूब वर्कशॉप से रिलेटेड है। यूट्यूब के बारे में है कि इससे पहले हम लोगों ने एक वेबिनार किया था वेयर वी हैव शेयर्ड कि आप लोग कैसे, अगर मैं बात करूँ यूट्यूब में किसी को करियर बनाना है तो वो कैसे यूट्यूब में अपना करियर बना सकता है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसके बारे में वी विल ट्राई टू डिस्कस, और इसके डिटेल एस्पेक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की क्वेरीज, क्वेश्चंस जो भी होंगे इन बिटवीन हम लोग लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, बट एक एक टाइम फ्रेम के बाद हम लोग आपके क्वेरीज वगैरह लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होपफुली, एंड आपकी क्वेरीज वगैरह भी हम लेंगे बट इन बिटवीन लेंगे। तो पहले, सबसे पहले आज के एजेंडा के बारे में जान लेते हैं। आज का एजेंडा क्या है? अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब का पोटेंशियल जानने की कोशिश करेंगे। अब वैसे आप लोगों को सबको ऑलरेडी पता है यूट्यूब कितना पोटेंशियल है, और आपको आज की डेट में कुछ भी सर्च करना होता है तो आई फील आप लोग कोशिश क्या करते हो कि या तो गूगल में सर्च करते हो बेसिकली, या सेकेंड एस्पेक्ट ये होता है कि आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करते हो। कोई भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, कुछ डाउट आपके माइंड में आ रहा है, आपको जानना है कि वो प्रोसेस क्या कैसे होता है, वो सारी चीज़ों का जवाब आई फील यूट्यूब पे है। और एज ए कंटेंट क्रिएटर और एज ए यू कैन से मार्केटर, हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उसको समझ पाना, उसके सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उन सबको समझ पाना, राइट? उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाउ टू चूज निश फॉर योर चैनल, आपने अपने चैनल के लिए निश कैसे पिक करते हो? निश का मतलब एक एक स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक टॉपिक अपने चैनल के लिए। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम लोग कुकिंग में काम करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम लोग कलनरी में काम करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। कई लोग बाइकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बाइकिंग से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है यूट्यूब में, और अगर आपको कोई ऐसा पोटेंशियल वो मिल जाए जिसपे आपका रियली में इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको वीडियो बनाने में मजा आए, तो ये बहुत ही जबरदस्त जर्नी होने वाली है। जनरली क्या होता है, हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा है कि लोग यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट तो करते हैं बट सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो इन बिटवीन ही ना उसको छोड़ देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत लोगों के साथ में ये चैलेंज है कि वो स्टार्ट करते हैं बट एक स्टेज आने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर मैं इससे आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा, या फिर उनको एक जो है ना कहीं मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो उस पर्टिकुलर मोटिवेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिसर्च अबाउट प्रॉफिटेबल नीश, हम लोग प्रॉफिटेबल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन सा टॉपिक प्रॉफिटेबल है, किस पे हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉफिटेबल जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। प्रॉफिटेबल तो यार सब कुछ हो सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग भी प्रॉफिटेबल है, कुकिंग भी प्रॉफिटेबल है, कलनरी भी प्रॉफिटेबल है, अगर उस पर उस हिसाब से व्यूज आने स्टार्ट हो जाए। और अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आप इवन आप एक छोटे छोटे गैजेट्स का भी रिव्यू करते हैं, आजकल आप देखते हो हर एक सेगमेंट का, यूट्यूब पे कुछ भी डालो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, उसको आपको आंसर मिल जाएगा। तो हर एक निश के रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बट हाँ थोड़ा सा जजमेंट जरूरी है कि आपको पता चल पाए कि उसमें एक्चुअली व्यूज हैं भी कि नहीं, क्या मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा इससे मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे व्यूज नहीं होता लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, राइट? देन प्रमोटिंग योर ब्रांड बिजनेस ऑन यूट्यूब, आप अपने ब्रांड और बिजनेस को कैसे यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई नया है अपने बिजनेस में और उसको आप लोग कैसे पिच कर सकते हो, तो मैं यूट्यूब सिर्फ एज ए वो नहीं बताऊंगा कि, क्योंकि उसके लिए सतीश बेस्ट पर्सन है जो कि आपको बताएगा कि यूट्यूब को अगर एज ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में यूज करना है तो वो कैसे यूजफुल है। लेकिन मेरे जैसे पर्सन के लिए जो कि कोर मार्केटर है, जो कि ओवर द टाइम सिर्फ मार्केटिंग में डील करता आया है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है यूट्यूब की, वो कैसे यूट्यूब को यूज करता है, अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड रिसर्च, उसके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ डिटेल एस्पेक्ट हैं, डिटेल टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह शेयर किए थे कि 300 वीडियोज आप, ये एक एक लमसम फिगर है जो कि एक डेटा के थ्रू से लिया गया है कि वीडियोज पर मिनट अपलोड होते हैं, एक्टिव यूजर्स 30 मिलियन है यूट्यूब के ऊपर में, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इवन कोविड में तो और यूट्यूब यूजर्स बढ़ गए। रीजन इज जो मैंने एक 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 पर्टिकुलरली मैंने एड कॉपी भी लिखा था इस वर्कशॉप को प्रमोट करते हुए। जनरली हुआ क्या था कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब को अडेप्ट किया ड्यूरिंग दिस आपको कोविड के टाइम पे, उनको लगा कि कुछ काम नहीं है, घर पे बैठे हैं तो क्या किया जाए, तो
यूट्यूब यूज करना, उसको शुरू करना सबसे आसान है। कैसे आसान है, इवन जो मैं आज का सेशन ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको भी रिकॉर्ड करूंगा, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, राइट। तो कितना इजी है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ अपना, मैं इस स्क्रीन को शेयर करके मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो को बना के मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो कितना बेनिफिट है। मतलब एक एक 2 घंटे का वेबिनार भी लिया मैंने, आप लोगों को पढ़ा भी दिया, इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया। तो ये एक वो आपके ऊपर में, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर में, आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। नंबर ऑफ वीडियोज वॉच्ड पर डे, कितने वीडियोज वॉच होते हैं पर डे, 5 बिलियन के आसपास जो है वो पर डे जो है वो वॉच होते हैं। इवन थोड़ा बहुत लमसम का, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है, कोई भी जहाँ से भी हम स्टैट्स लेते हैं, यूट्यूब ने तो ऐसा डेटा कुछ रिलीज नहीं किया, मेनली सारे थर्ड पार्टी सोर्सेज ये डेटा रिलीज करती हैं, तो आपको उसके बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आप पर्सन आपको पढ़ा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप जान लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं को फाउंडर हूँ PIMS का। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ डायरेक्टर ऑफ AP वेब वर्ल्ड, दैट इज बेसिकली अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट, मैंने PIMS लिख दिया, बेसिकली यहाँ पे सेलिफाई है, तो सेलिफाई का मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। इससे बेसिकली है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ये है क्या सेलिफाई। हमारा रिसेंटली लॉन्च किया हुआ प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं बेसिकली हमारा यही काम ही होता है कि हम लोग सारे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और उन इन्फ्लुएंसर के थ्रू से वीडियोस वगैरह जनरेट करवाते हैं। ये प्लेटफॉर्म शायद आप लोगों ने और भी देखे होंगे, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में। और हमारा जो कहीं ना कहीं जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इन्फ्लुएंसर को हायर करो, उनके थ्रू से वीडियोज़ बनवाते हैं और उसको वीडियोज़ को यूज़ करते हैं ब्रांड प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो रिसेंटली आप देख सकते हो लेटेस्ट स्टार, ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ लोग जो है वो टीवी इंडस्ट्री से हैं, कुछ मूवी इंडस्ट्री से हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट के लोग हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, जो कि बेसिकली इस कैटेगरी में काम करते हैं और जिनको हम लोग बेसिकली हायर करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, फॉर ब्रांड प्रमोशन के लिए, ब्रांड प्रमोशन को एक नया डायमेंशन देने के लिए। ये हमने बेसिकली एक एक कंप्लीट जो एक बिजनेस है उसको स्टार्ट किया है, तो ये बेसिकली उसी पार्ट के लिए है कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कैसे करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेशन, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा इंसाइट्स इनपुट्स दे पाऊंगा कि एक्चुअली में मार्केट में काम कैसे होता है, इन्फ्लुएंसर को क्या अमाउंट मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, और ये सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम लेकिन लेंगे लेकिन बाद में, राइट। तो चलिए फिर से बैक से मैं जिस टॉपिक पे हूँ उसके बारे में, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट ऑफ सेलिफाई, राइट। तो ये मेरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप pranavjha.com पे जाके मेरे बारे में और पढ़ सकते हो कि मेरा क्या है ब्रीफ समरी, तो आप मेरे बारे में देख सकते हो, जान सकते हो मेरे को और डिटेल में अगर आपको मेरे बारे में जानना है, राइट। तो मैं काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट मुझे 8 ईयर्स होने को आ गए हैं इस इंडस्ट्री में। वाइल्ड वर्किंग मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में टाई अप किया है, एसोसिएशन किया है, उसके बारे में हम लोग जानने की और कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अब जो हमारा जो एक कोर एजेंडा था कि एक्चुअली में सबसे पहले अब टॉपिक के एजेंडा के ऊपर में आ जाते हैं, सबसे पहले टॉपिक के पॉइंट पे आ जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ यूट्यूब। मैं आपको ना एक बड़ा एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट, आप लोग बहुत इजीली और बहुत क्विकली इसको रिलेट कर जाओगे। मैं अपना ना जितने भी क्लाइंट्स है, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स नोएडा, अभी ओवरसीज के नहीं, मैं आपको सिर्फ दिल्ली NCR के क्लाइंट्स का एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ कि अगर मैंने पहले से ही थोड़ा सा डेटा जो है वो किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। अगर आपको लेट सपोज आप किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो ना, और उस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो तो अगर आप यूट्यूब के थ्रू से उसको लिवरेज कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लिवरेज कर सकते हो। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स के साथ में कुछ टाई अप्स किए, उनके साथ में डिस्कशन किया और हमने उनके चैनल को पोटेंशियली यूज किया, और इसमें दोनों का बेनिफिट है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मार्केट के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है तो उस केस में आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, उस केस में आपको डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, राइट। वो कैसे होगा, मैं पहले तो आप लोग कहोगे कि मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ था, इसको हटा देते हैं, कुछ फ्रेश कीवर्ड टाइप करते हैं। मैं एक बेकरी इंस्टीट्यूट का प्रमोट करता हूँ, मैं सिर्फ आपको पोटेंशियल बताने के लिए कि यूट्यूब में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप लोग क्लाइंट्स का काम करते हो तो, अगर आप लोग अपना भी करते हो तो उसका भी पोटेंशियल मैं हम लोग आगे लेके जाएंगे, और कल तो सतीश का उसके ऊपर में बहुत डिटेल टॉपिक होने वाला ही है, लेकिन
मेरे को एज ए डिजिटल मार्केटर कैसे बेनिफिट हुआ यूट्यूब का, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ. राइट, मैं एक बेकरी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करता हूँ जो कि काफी पॉपुलर बेकरी इंस्टीट्यूट है, और जो हमारे शेफ हैं ऑलमोस्ट 6 टाइम अमूल के पेज पे फीचर हो चुके हैं. राइट, गूगल में अगर टाइप करते हो आप राइट बेस्ट बेकरी स्कूल इन दिल्ली, मैं इसलिए इनकॉग्निटो मोड में आपको दिखा रहा हूँ सो दैट कोई सर्च का इन्फ्लुएंस ना हो. राइट, तो बेस्ट बेकरी स्कूल इन दिल्ली पे लिखने पे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे तो दिखेगा ही नंबर वन पे हमने किस तरीके से मार्केटिंग किया है. लेकिन आज का टॉपिक तो लोकल लिस्टिंग तो है नहीं जो इसके बारे में मैं आपको बताऊं. और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली ये IBPA दिख रहा है, इसका नाम चेंज होकर IBCA हो गया है. राइट, तो आपको दो, एक तो गूगल में आपको दिख गया लिस्टिंग में नंबर वन पे, इसमें आपको नंबर टू पे दिख गया. राइट, तो फिर हमने सोचा कि और कौन सा ऐसा स्कोप है जहाँ पे, ऑल दो हम लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर हमारे अमूल के पेज के थ्रू से भी फीचर होता है तो वहाँ पे लाइव्स करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर में, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे भी अपने लिए एक स्कोप क्रिएट किया जाए. तो यूट्यूब पे भी आप लिखोगे ना बेस्ट बेकरी स्कूल इन दिल्ली, तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली आप देख सकते हो जो यहाँ पे ये आपको सबसे पहले नंबर वन पे दिखेगा. राइट, ये हमने जस्ट एक एसोसिएशन किया था और यहाँ पे मैंने अपने पर्टिकुलरली अपने इसमें भी प्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया हुआ है. आप देख सकते हो कि मैंने कुछ चैनल्स का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, उनमें से हेल्प एफ भी एक है. हेल्प एफ की टीम वी रेगुलरली डू डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, और शायद हेल्प एफ को कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी जानते ही होंगे. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका वीडियो जो है वो नंबर वन पे आ रहा है. जस्ट हमने एक एसोसिएशन किया, डिस्कशन किया, उसके बेसिस पे ये नंबर वन पे आ रहा है. राइट, ये आपका सिंपली एक और आपको टाइटल में इंक्लूड करना पड़ता है. वो सारी टेक्निकलिटीज हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि वो क्या चीजें हो सकती नहीं हो सकती हैं. लेकिन अगर आप कोई भी चैनल अगर ऐसा लगता है जिसमें पोटेंशियल है तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेसेस भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे से प्रमोट हो रही हैं. राइट, और ऐसा आपको बहुत अच्छा लीड फ्लो देखने को मिलेगा अगर आप उसको पर्टिकुलरली सही से यूज करते हो. तो अब इसको हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं, हम PMS की बात कर लेते हैं. आप PMS के लिए हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक PMS का ही ब्रीफ दे देता हूं. अगर आप लिखते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. आप लोगों का कुछ भी क्वेरी होगा कि सर ये लॉन्ग टेल है ये शॉर्ट टेल है, वो हम सब डिस्कशन करेंगे, हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे. राइट, यहाँ पे ये जो आ रहा है इसमें तो हमारा मेंशन है ही, इसके अलावा इसमें भी आप देखो ना यहाँ पे भी हेल्प एप का वीडियो जो है वो यहाँ पे आ रहा है. तो जनरली हमारा यही एक डिस्कशन हुआ था, अगर आप पर्टिकुलरली चीज़ों को, अगर कोई ग्रो कर रहा है, अगर कोई यूट्यूबर ग्रो कर रहा है, कोई अगर बेसिकली कोई मार्केटर ग्रो कर रहा है, अगर आप उसको हेल्प करते हो उसके चैनल को ग्रो करने में, तो आपके पोटेंशियल को मार्केट में, और मार्केट में काम भी ऐसे ही होता है. आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो हमारे साथ, जितने भी इन्फ्लुएंसर, ऑलमोस्ट 1000+ इन्फ्लुएंसर मेरे साथ में एसोसिएटेड है, तो वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स को कैसे लिवरेज करना है, उनको कैसे पोटेंशियली मार्केट में उनके लिए एक बिजनेस को खड़ा करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की आज हम लोग कोशिश करेंगे. और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसको हम लोग एक्चुअली में हम लोग टॉप पे ले, इवन आप लिखोगे को वर्किंग स्पेस इन, मैं नोएडा NCR की बात कर रहा हूँ, बाद में हम दूसरे सेगमेंट के ऊपर में भी जाएंगे. राइट, यहाँ पे भी देख सकते हो कि हेल्प एप का वीडियो नंबर वन पे आ रहा है. तो जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मेथड्स के थ्रू से हमने इस पे वर्कआउट किया और चीजें, जबकि इस पे इतना ज्यादा वो कंपटीशन भी नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट जो एक पोटेंशियल बनता है ना, लीड आने का डायरेक्ट चांसेस हो जाता है. अगर आप सही तरीके से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपका जो लीड का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और तो सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब का यूज जो है वो आपके, आपको सिर्फ यूट्यूबर बनने के लिए ही काफी नहीं, आप मेरे जैसा पर्सन भी बन सकते हो जो बिहाइंड द मैकेनिज्म होता है. मैं बहुत, वैसे मेरे भी आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट मेरा जो प्रेफर्ड थिंग होता है ना कि मैं बिहाइंड द सीन काम करूँ, बिहाइंड द मैकेनिज्म प्रोसेस काम करूँ. क्योंकि कई बार आप क्या बोलते हैं, मैं इतना फेस वो नहीं हूँ कि फेस दिखाना मेरे को उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो एट दैट टाइम हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी चैनल्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं या उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं. राइट, अब हम लोग आते हैं फिर से, अब इस पर्टिकुलर चीज को हम स्टडी कैसे करेंगे, तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप स्टडी कैसे कर सकते हैं. इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. कुछ टूल्स हैं, ये तो बेसिकली इसका इनबिल्ट टूल्स हैं,
इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्योंकि कुछ आप जो है वो एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, तो ये दो एक्सटेंशन आपको रेकमेंड करूंगा। आप लोगों में से कितने लोगों को ये एक्सटेंशन के नाम पता है? कुछ लोगों को तो डेफिनेटली पता होगा कि ट्यूब बडी और विड आईक्यू का नाम तो आपको पता होगा। यस नो, पता है आप लोगों को ट्यूब बडी के बारे में? कुछ सुना है कभी नाम? सुना है ट्यूब बडी का या विड आईक्यू का नाम सुना है आप लोगों ने? नो राइट? कुछ यस नो तो बोलिए। नो नो? ओके राइट, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। या डेफिनेटली प्रथम राइट। इसको हम लोग यूट्यूब एसईओ के लिए यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं उसके बारे में, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने इसमें जाना है, एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में जाके मोर टूल्स में आप एक्सटेंशन में जाएंगे। जिनको नहीं पता है, अब यहाँ पे जाके आपका क्रोम स्टोर है, क्रोम स्टोर से जाके आप दोनों ही टूल जो है वो आप अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कोई एक टूल यूज कीजिए, या आपको ट्यूब बडी सही लगता है ट्यूब बडी यूज कीजिए, या आपको विड आईक्यू सही लगता है विड आईक्यू यूज कीजिए। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है तो आपको इसके बारे में ना इनके ऑफिशियल चैनल्स भी हैं। अगर आप विड आईक्यू की बात करें या फिर उसकी बात करें तो इनके ऑफिशियल चैनल्स भी हैं। ये है विड आईक्यू का, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है तो आप जो है वो ट्यूब बडी यूज कर सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही जैसे कि एसईओ में बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, वैसे इसमें भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये ट्यूब बडी है और ये काफी फेमस आपका यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन टूल है एसईओ में। जैसे आपका HREF होता है, सेमरश होता है, या फिर आपका गूगल कीवर्ड प्लानर होता है जिसके थ्रू से आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं या डेटा रिसर्च करते हैं। इसमें इस केस में यूट्यूब के केस में आप ट्यूब बडी का यूज करते हैं या फिर आप विड आईक्यू का यूज कर सकते हैं। आप इनके पेड वर्जन के साथ में भी जा सकते हैं, बेसिकली फ्री वर्जन से भी काफी कुछ काम जो है बेसिकली हो जाता है राइट। तो मैं आपको पहले तो यूट्यूब पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लिया जाए क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अपने चैनल के थ्रू पे लेके जाता हूँ। मैं आपको एक अपना रिसेंटली हमारा एक चैनल जो ग्रो हुआ है उसके बारे में मैं आपको उसका पूरा बताता हूँ डिटेल। जो हमारा चैनल अभी ग्रो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको जो है मैं आपको इंट्रो देता हूँ, कैसे वो चैनल ग्रो हुआ, किस तरीके से ग्रो हुआ राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक डिटेल इंटरेस्टिंग आपको इनसाइट्स शेयर करता हूँ। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे गया। योर चैनल पे जाओगे आप कोई भी चैनल बनाने के लिए, अगर आप किसी को चैनल बनाने में डाउट है ना तो वो जनरली रिसर्च कर सकता है। बहुत इजी है चैनल क्रिएट करना, कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप यूट्यूब पे डालोगे कि हाउ टू क्रिएट चैनल, आपको बीसी ऑप्शन मिल जाएंगे। बट आपका वही है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि आप कैसे चैनल को बना रहे हो, क्या टॉपिक है। तो हमने सेलिफाई का ही चैनल बनाया था, अभी जस्ट 725 सब्सक्राइबर है। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है, कैसे ये चैनल इतना जल्दी ग्रो हुआ और बहुत कम टाइम में ग्रो हुआ उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। मैनेज वीडियोज में गए हम लोग, कुछ बड़े चैनल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, दिखाऊंगा आपको डिटेल। लेकिन वही है कि थोड़ा सा क्लाइंट एस्पेक्ट के एंड से चैनल दिखा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि ये एक चैनल है, ठीक है। इसको हम लोग अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो हमने रियलिटी में जो इसका इसको जो वीडियोज को प्रमोट करना चालू किया ना, ये इसका पहला सही से जो हमने लाइव किया वीडियो वो ये वीडियो था जो हमने आई फील जून लास्ट में स्टार्ट 13 जून को, मतलब अभी हमें 3 महीने हुए हैं जो कि बेसिकली इस चैनल को सही से काम करते हुए। इससे पहले जितने भी वीडियोज हैं सारे प्राइवेट हैं, हमने उसको शेयर नहीं किया ओपनली क्योंकि ये वीडियोज किसी काम के नहीं थे, इसमें डेटा जो था वो सही नहीं था। तो हमारा इसमें काम क्या था, अभी देखिए कंप्लीट प्रमोशनल वीडियो है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है प्रमोशनल वीडियोज में, जो भी आप प्रमोशनल चैनल्स वगैरह बनाते हो, कि उन सब चैनल में ना आपको सब्सक्रिप्शन जो है या सब्सक्राइबर जो है वो बहुत तेजी से ग्रो जो है वो नहीं होते। रीजन ये होता है कि उसमें आप वैल्यू क्या दे रहे हो। अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो, अगर आप वैल्यू नहीं दे पा रहे हो राइट, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू जो है वो क्रिएट होता है। इसलिए आपको वैल्यू देना चैनल में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई भी चैनल बनाओ तो आपको उसमें वैल्यू देना पड़ेगा। आप देखो ये हमने डाला वीडियो, उसके बाद हमने 15 जुलाई को एक वीडियो डाला और इसका व्यूज आप देख सकते हो, इसके कमेंट्स आप देख सकते हो कि किस लेवल पे ये वीडियो ग्रो हुआ। इसके ग्रो होते ही हमारा पूरा का पूरा चैनल जो है ना वो ग्रो होना चालू हो गया। इसके बाकी वीडियोस भी ना धीरे 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 करके लिफ्ट होने शुरू हो गया। अभी ये देख सकते हो
ये वीडियो भी बीच में लिफ्ट हुआ है, ये वीडियो भी लिफ्ट हुआ है, और आपका जरूरी नहीं कि आपके सारे के सारे वीडियोस काम करेंगे, सारे वीडियोस आपके काम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि आपके सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देने लग जाएं और आपको बहुत बेटर रिजल्ट जो है आपको दिखाने लग जाएं। तो इसके लिए हम इसके एनालिटिक्स में जाते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसका इनसाइट्स दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग रिसर्च कैसे करोगे कि आपको कैसे वीडियोस बनाने हैं, क्या आपको रखना है नहीं रखना। टेक्निकलिटीज की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर एनालिसिस दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रो कैसे हुआ है। तो मैं एनालिटिक्स में गया, यूट्यूब का अपना एनालिटिक्स होता है, ये क्रिएटर स्टूडियो है। जब आप इसके अंदर में जाओगे तब आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप पूरा का पूरा इसका डिटेल एनालिटिक्स जो है आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ से आपको इसका पूरा जो है वो डिटेल एनालिटिक्स दिख जाएगा। इसको हम लास्ट 28 डेज की जगह हम लोग कर देते हैं लाइफ टाइम। नया चैनल है और जो हमने इसके, देखिए आप ये देखो चैनल ग्रो कब हुआ है, चैनल रियली में हिट हुआ है अराउंड, डेट भी आ जाएगा, हाँ ये अगस्त के पहले, ये 18 अगस्त के आसपास में जो है इस चैनल को थोड़ा सा पुश मिला, और सिर्फ एक वीडियो के कारण पुश मिला और पूरा का पूरा चैनल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया। अब हमारे इस चैनल को लेके प्लानिंग है तो कि हम लोग कैसे इसको और इसमें इसमें वैल्यू, क्योंकि विदाउट वैल्यू आप चीज़ों को सस्टेन नहीं कर सकते। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे ये, मैं किस बिहाफ पे ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि क्यों आप विदाउट वैल्यू दिए हुए चैनल को ग्रो नहीं कर सकते और कैसे आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके पास में क्या इनपुट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इतना इसमें वॉच टाइम मिला क्योंकि वीडियोज जो है ना वो बहुत छोटी है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वीडियोस जो है इसमें बहुत छोटी छोटी हैं, 18 सेकंड की, 15 सेकंड की, लेकिन इसका एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब का नया फीचर देखा होगा, स्टोरी का फीचर, जो स्टोरी आती है यूट्यूब में। तो अब तो बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म्स पे स्टोरीज हैं, तो यहाँ पे भी ये स्टोरी जो है, स्टोरी का फीचर जो है आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएगा। हमारे बहुत सारे वीडियोज ना इतनी छोटी थी कि वो यूट्यूब की स्टोरीज में दिखने लग गई और वहां से हमारे वीडियोज को जो है वो बहुत बड़ा पुश मिला। और इसी को देख के बहुत सारे यूट्यूबर ने ना, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस छोटे यूट्यूब छोटे वीडियोस के कॉन्सेप्ट को अपनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। लास्ट सेशन में भी अगर बात किया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा होगा तो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, आपने यहाँ पे देखा होगा हिमेश मदान के वीडियोज देखे होंगे, कुछ सतीश ने भी इसके बारे में बात की थी लास्ट सेशन में वेबिनार के अंदर में। इनके वीडियोस ना बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप ध्यान से देखोगे अब इनके वीडियोस, ये 24 सेकंड का, ये कुछ कुछ वीडियोस को पेड पर्पस के लिए भी यूज किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज के लिए भी ना थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, अगर आप वीडियोज देखते हो उसके अंदर का कॉन्टेंट देखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कॉन्टेंट किस लिए बनाया गया। कई बार वीडियोज के कॉन्टेंट स्टोरी के पर्पस, या कई बार वीडियोज के कॉन्टेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस वीडियोस के थ्रू से ज्यादा जो है वो व्यूज जनरेट किया जा सके। लेकिन कई बार एड चलाने के पर्पस से 24 सेकंड का वीडियो है या ये 17 सेकंड का वीडियोस है, और ऐसी बहुत सारी आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आजकल आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएगा जहाँ पे लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा। इसका बेसिक कोर पर्पस क्या होता है कि वीडियोस को, स्मॉल वीडियोस को, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि स्मॉल वीडियोस को बहुत एक्सपोजर जो है आज के डेट में यूट्यूब जो है वो दे रहा है। इसका मैं आपको थोड़ा सा ये इनसाइट्स पे ले जाता हूँ। ये वीडियो है जो हमारा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, अराउंड 1 लाख प्लस जो है वो व्यूज हैं। वायरल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर मैं बात करूँ कि जितना हमारा सब्सक्राइबर बेस है उसके बेसिस पे, तो ये वीडियो बहुत ग्रो हुआ और बहुत अच्छे से इस वीडियो ने अपना मार्केट पकड़ा यहाँ पे। लेकिन ये देखो आप, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि इस वीडियो से हमें कितने सब्सक्राइबर मिले। 838, सिर्फ एक सिंगल वीडियो से हमें 838 सब्सक्राइबर मिले। तो अगर आपका चैनल का कोई भी एक वीडियो, और इतने सारे वीडियोस हिट नहीं हुए, इतने सारे वीडियोस कुछ भी हिट नहीं हुआ, कोई भी वीडियो में कुछ भी एंगेजमेंट नहीं आया, लेकिन एक सडन एंगेजमेंट एक वीडियो में आया और हमारा चैनल जो है वो सडनली लिफ्ट हो गया और हमने इस पर पर्पसली, इस पर डेलिब्रेटली और डेटा जो है वो डालना चालू कर दिया क्योंकि हमें समझ में आ गया कि अगर ये वीडियो ऑटोमेटिकली हिट हुआ है तो देर इज ए ह्यूज पोटेंशियल कि आगे आने वाले टाइम में और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे जो सडनली ग्रो होंगे, और ऐसे एक दो वीडियोस शुरू हो गए हैं इसमें, और आपके सारे के सारे वीडियोस जो है ना वो ग्रो नहीं होते, आपके कुछ वीडियोस ग्रो होते हैं। फिर अब जो लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, जो लोग बिल्कुल जीरो पॉइंट पे हैं,
उनके लिए यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है कि वो लोग ना 1000 सब्सक्राइबर के अकाउंट तक ही नहीं पहुंच पाते। आपका पहला कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किसी तरीके से 1000 के अकाउंट पे जो है वो पहुंचो। एक बार 1000 पे पहुंच गए ना, तो अब आपका क्या होगा वो मैं आपको ट्रैफिक के सोर्स के थ्रू से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट होता है और क्यों आपको 1000 का माइलस्टोन डेफिनेटली बनाना चाहिए। और 1000 पे पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। उसको रिसर्च करना बताऊंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि 1 महीने में हो जाएगा या फिर आपका 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक वीडियो हिट हुआ तो शायद ये 10 दिन में भी हो जाए। और अगर आपके वीडियोस सडनली लाइट में नहीं आते या आपके वीडियोस की क्वालिटी खराब है या आप सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, तो शायद कई बार ये टाइम जो है वो बहुत ज्यादा भी चला जाता है। सो यू हैव टू रिमेन वेरी कॉन्शियस वाइल प्रमोटिंग योर स्टफ। और जो आप कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको रेगुलरली वॉच आउट करता रहना पड़ेगा। अब जो हमें समझ में आया इन सब वीडियोस को देखने के बाद कि यार ये जितने भी वीडियोस हैं छोटे छोटे, हम इसमें वैल्यू तो एक्चुअली में उस तरीके का वैल्यू एड ऑन जो है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं हम मीट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक अभी इंटरव्यू सीरीज प्लान की है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे, उसमें हमारा क्या होगा सबसे बड़ा एडवांटेज कि हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोज बनाएंगे। लेट सपोज जैसे हम लोग बनाएंगे 60 मिनट का वीडियो बनाएंगे, या फिर हम लोग उसमें वीडियोस बनाएंगे कि 30 मिनट या फिर 25 मिनट। उसमें क्या होगा, वैल्यू होगा हम लोग जर्नी का, कि ये एक बेसिकली सेलिब्रिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो इसमें उसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आएगा। आपका डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। और अगर आपका आपका जो है वो कुकिंग से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैंने एक एक एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे हेल्प जैसे कि अब यही हिमेश मदान का चैनल है, तो वो बेसिकली क्या बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। अब जैसे कुछ और वीडियोस आ जाते हैं तो वो मोमेंट मार्केटिंग में आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अब यहाँ पे जैसे वेकअप कॉल है, राइट, तो ये जस्ट मोमेंट मार्केटिंग है। जब आपका चैनल चल रहा है, सारी चीजें हो रही है, आपका सब्सक्राइबर बेस बन गया है, तो आप एक दो वीडियो रैंडम बना सकते हो। लेकिन आप अगर लेट सपोज मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जो एक वीडियोस बनाते बनाते 10 तरीके के वीडियोस बनाने लग जाते हैं, उनको लगता है कि, और उस केस में उनका व्यूज जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लग जाता है, उनका व्यूज जो है वो रैंडम और सडनली वो पूरी तरीके की। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से करना है कि एक्चुअली में मैं अपने चैनल के थ्रू से मार्केट में क्या वैल्यू दे रहा हूँ, क्या किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्या किसी का पेन पॉइंट सॉल्व हो रहा है। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा है। हम कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक विजन के साथ में और स्पेसिफिक पर्पस के साथ में, राइट, तो वो आपका फोकस जो है बेसिकली होना चाहिए। अभी जैसे कि हेल्प एप का एग्जाम्पल मैंने लिया था, जब हेल्प एप में अभी कुछ भी नहीं है, अभी सब्सक्राइबर बेस बहुत ही कम है। अभी तो हमारा डिटेल डिस्कशन चल रहा था, मेरा काफी बात हुआ मनोरव की टीम से भी कि कैसे ग्रो जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो किस तरीके से वो लोग और बेसिकली ग्रो कर सकते हैं। हमारा परसों बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ इनके चैनल को लेके या इनके टॉपिक्स को लेके, जो भी बेसिकली होते हैं डिस्कशंस। तो उस पार्ट में जो मुझे बेसिकली क्या लगा कि जो इनका चैनल है या फिर जिस तरीके से, तो छोटे छोटे व्यूज हैं, कुछ बहुत ज्यादा व्यूज हैं नहीं, लेकिन एक बिजनेस के पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपका चैनल एक बिजनेस के पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका चैनल बेसिकली एक एक एजेंडा के साथ में है, कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि क्या होता है, कैसे क्वेरी करना है, क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, उस केस में ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली कहीं ना कहीं ये सॉल्व करता है। तो उस केस में ऐसे चैनल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, राइट। तो अब मैं आपको एक इसका थोड़ा सा डिटेल एस्पेक्ट, एक और एस्पेक्ट आपको समझाता हूँ इसका। यहाँ पे हम लोग टूल्स पे भी आएंगे, टूल्स के बारे में आएंगे, लेकिन टूल्स से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रैफिक सोर्सेज क्या होते हैं। ये स्क्रीनशॉट से शायद आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एनालिटिक्स के थ्रू से इस पे डायरेक्टली ले जाने से पहले, अगर आपको ये देखना है तो आपको क्या करना है, इस ऑडियंस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ऑडियंस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत डिटेल में इस एक पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक का आपको जो है वो डेटा आपको मिल जाएगा कि कैसे आपके सब्सक्राइब व्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो सारा आइडियाज आपको मिल जाएगा। या आप रीच के थ्रू से आप समझ सकते हो, ये रीच पे भी जाओगे, यहाँ से आपको सारा ट्रैफिक टाइप्स, किस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है इस पर्टिकुलर वीडियोस पे। क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मार्केट में ग्रो होता है या कोई भी चैनल ग्रो होता है, तो उसको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा चैनल क्यों ग्रो हुआ, किस रीजन से ग्रो हुआ, और क्या क्या चीजें ऐसी मुझे करनी है आगे जिसके थ्रू से मेरा चैनल और ग्रो होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सी मोर के ऊपर में। सी मोर के ऊपर में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए मेरे पास में काफी सारा इनसाइट्स और डेटा जो है बेसिकली आ जाएगा।
ये मेरे पास में बहुत सारा डेटा और वो सोर्स आ चुका है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक है ना वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। व्यूज यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्ट और अननोन सोर्सेज से, मतलब कई लोग एक वीडियोज को डायरेक्ट भी शेयर करते हैं, किसी लिंक्स के थ्रू से शेयर करते हैं। देन ब्राउज फ्यूचर, ब्राउज फीचर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपका दिख रहा है, मीन्स आपने कैसे कोई कोई गया फीड पे गया आपका जनरली, और फीड पे जाने के बाद उसने वीडियो को चेक किया, तो वो देखना जरूरी है। सजेस्टेड वीडियोस, एक वीडियो आपको दिख रहा है राइट, एक वीडियो आपको दिख रहा है उसके बीच में आ गया, या फिर आपको उसके राइट हैंड साइड में उसको सजेस्टेड वीडियो सेक्शन में आपको दिखा। अदर यूट्यूब फीचर्स, कहीं पे आपने किसी और चैनल के ऊपर में उसको फीचर करवाया, वीडियोज के ऊपर में, चैनल के पेजेस के ऊपर में, प्लेलिस्ट के ऊपर में, कोई जनरली यूट्यूब के ऊपर में सर्च कर रहा है, इससे मेरे को बहुत सारा आइडियाज मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि मुझे प्लेलिस्ट बनाना चाहिए, अगर लेट सुपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स के ऊपर में बना रहा हूँ वीडियोज, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में बना रहा हूँ, या फिर मैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ मैं गूगल एड्स के बारे में कुछ बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा जनरली कि मैं वीडियो गूगल एड्स की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा और उसको एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट से सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, कई बार एक ही यूजर आपके पाँच पाँच छः छः वीडियोज को देखता है, इससे आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, आपके मोनेटाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका मार्केट में कहीं ना कहीं आपका मार्केट में ज़्यादा आपको स्पेस मिलता है, और आपकी वैल्यू जो है बेसिकली वो काफ़ी हद तक जो है आपकी बढ़ जाती है। तो इससे आपको आइडियाज लग गए होंगे कि बेसिकली ये कैसे ये चीज़ें जो है वो काम करती हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या करते हैं, एक दो मिनट आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, आप लोगों का किसी का भी कोई अभी तक फिलहाल तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर आपको समझ में आया है तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? यस, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस नो? आप लोग चैट सेक्शन में डाल सकते हो अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया अभी तक तो। हाय सर नीति, हाँ जी, सर ये जो भी आपने ऊपर जो वीडियो चला रखा है ये कोई लाइव वीडियो है ना? नहीं जस्ट एक टाइटल है ये। ओके मैं इसके बारे में भी आपको आपको इसके बारे में भी आपको ट्रिक्स शेयर करूंगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो वो सब आपको कैसे आपको जनरली कैची टाइटल्स बनाने हैं या फिर क्या करना है नहीं करना है वो सब डिस्कशन करेंगे। और किसी का कोई क्वेरी नहीं, सब ऑल क्लियर है? ठीक है, अभी हम साहिल जी अभी वी आर जस्ट कमिंग ऑन ट्यूब बडी एक्सटेंशन और विड आईक्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे राइट। तो आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, गुड। तो जैसे कि हम अब हम लोग अपने क्या करते हैं। हाँ जी दीपांकर बताओ। कुछ क्वेरी है आपका? ने हैंड रेज किया। नो सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। जी सर, सर जैसे कि अगर मैं नया यूट्यूबर हूँ अभी, मैं मतलब कि अभी एक वीडियोस डाली है, तो सर मुझे कितनी डेज में वीडियोस डालनी होगी एज अ बिगनर? एज ए बिगिनर देखिए, अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अपना फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप क्वालिटी मेंटेन कीजिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करने की बजाय ना आप शुरू में कोशिश कीजिए कि मंथ में चार ही वीडियोस बनाएं, लेकिन वो चारों का ना आप एक बार ना डिटेल प्लानिंग कर ले कि मुझे इस मंथ में कौन से चार वीडियोस बनाने हैं और किस टॉपिक के ऊपर में बनाने हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस बना पाए जो वीडियोस एक दूसरे के साथ में लिंक हो पाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बेनिफिशियल भी है। लिंक इन द सेंस कि लेट सुपोज आप बना रहे हो कुकिंग के बारे में, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, कुकिंग के बारे में ये वीडियोज बना रहे हो और या फिर आप रिव्यू चैनल बना रहे हो कोई भी, तो अगर आप चार वीडियोज एक जैसे बनाते हो तो अब वो इसमें अब मैं इसके टेक के चैनल के बारे में अगर बात करूँ, रिव्यू के बारे में बात करूँ, लेट सपोज आपने एक आईफोन का एक रिव्यू दिया, आईफोन 11 का रिव्यू दिया, फिर आपने उसी उसी के आगे जो है आपने उसके बेसिकली ईयरफोन के बारे में रिव्यू दिया, इन सबको आप कोलैब कर सकते हो, इन सबको आप मर्ज कर सकते हो, एक प्लेलिस्ट बना सकते हो। तो अगर आपको एक वीडियोस पे भी अगर आपका हिट होता है ना, लेट सपोज आपका कोई एक वीडियो काम कर जाता है मार्केट में और उस पर अच्छा व्यूज आने लग जाता है, तो आपके रेस्ट ऑफ द 3 वीडियोज पे भी व्यू आ जाएगा, क्योंकि सारे वीडियोज एक साथ में क्लिक नहीं करते। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर का चैनल देख लेना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी होगा
अभी मैंने कुछ चैनल्स जो हैं वो ओपन किए हुए थे, हिमेश मदान का ही देख, इन्हीं का चैनल देख लेते हैं अभी रिसेंटली काफी। इन्हीं के चैनल पे अगर आप देखे हो ना ध्यान से, तो इनके सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो ग्रो नहीं हुए हैं। ये किसी वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज है, किसी वीडियोस पे व्यूज ही नहीं है, राइट। और ये चीज ऐसा नहीं है कि इनके साथ है, इवन बड़े से बड़े यूट्यूबर के साथ में आप देखो यहाँ पे कुछ व्यूज हैं, ये तो चलो ठीक है रिसेंट वाले वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप पुराने वीडियोस देखो इनके, फिर भी इनकी कंसिस्टेंसी है कि इनके वीडियोस पे ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ वीडियोस जो हैं, अब जैसे ये वीडियो हिट हुआ, अब ये वीडियो अगर हिट हुआ होगा ना तो इसके साथ में बाकी के वीडियोस भी हिट हो जाएंगे। इसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका इनके प्लेलिस्ट पे चले जाओ, यहाँ पे किसी भी यूट्यूब चैनल को जब आप एनालिसिस करोगे तो इनके प्लेलिस्ट पे चले जाओ, और यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको बहुत सारे आइडियाज, यहाँ पे देखो इस सीरीज में इनके 21 वीडियोस हैं, इनमें 25 वीडियोस हैं, और ऐसा आपको सबके चैनल पे दिख जाएगा। इवन सतीश के चैनल पे भी देखोगे, जो हमारे कल के स्पीकर हैं, सतीश के वीडियोस, इनके चैनल पे भी आपको वही चीज मिलेगा। क्योंकि अगर आप और रेगुलरली ग्रो हो रहे हैं, अगर आप इनके प्लेलिस्ट पे जाते हो तो देखो ये लोग क्या कर, जितने भी यूट्यूब, ये लोग क्या करता है, जैसे इंटरव्यू सीरीज इन्होंने बनाई, तो इंटरव्यू सीरीज में 69 वीडियोस हैं इनके इंटरव्यू सीरीज के, तो मेनली ये जो करते हैं वो इंटरव्यू सीरीज पे ही काम करते हैं, राइट। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है आप, अब आपकी बात करूँ 69 वीडियोस हैं। दूसरा है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के ऊपर में काम करते हैं उन्होंने, ब्लॉगिंग और इंटरव्यूज इस पे काम किया है, इन दोनों पे काम किया है। तो इन दोनों के चैनल पे आप देख सकते हो कि इनके वीडियोस काफी ज्यादा हैं जो वो बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप अमित मिश्रा का चैनल देखते हो, जिन्होंने मनीष सर को भी कुछ दिन पहले फीचर किया था, अमित मिश्रा ट्रायो टेक, राइट, इनके चैनल पे भी देखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी चैनल पे जाना है ना तो उस चैनल को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना है कि वो चैनल कर क्या रहा है, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। इनके प्लेलिस्ट पे जाओगे तो इनके प्लेलिस्ट पे आप भी, आपको ऐसे ही आइडिया मिलेगा। इन्होंने कुछ मल्टीपल निशेस बना रखे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब टिप्स, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज जो हैं इन्होंने बेसिकली बना रखे हैं कि क्या होता है नहीं होता है। उसी सीरीज के अंदर में वीडियोज जो हैं वो डलते रहते हैं, और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में, तो आपको इससे आपको बेनिफिट होता है। जब आप एक सीरीज में वीडियो बनाते हो ना, तब आप उसको लिंक कर सकते हो और आपके एक वीडियो से आपको मल्टीपल व्यूज आते हैं, तो इससे आपको जो ग्रो करने में है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम एज ए, अभी तो हमारा चैनल देखो इंस्टीट्यूट के चैनल्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं आता है, बेसिकली PMS इंस्टीट्यूट की बात करें। अब हमारी कोशिश क्या है कि अब जो हमारा नया सीरीज आने वाला है, अभी सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर है, बट हम लोग इस प्लेलिस्ट के ऊपर में काम करेंगे आने वाले टाइम के ऊपर में। और जो प्लानिंग है वो यही है कि इसको देखिए, अब जैसे इसमें हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग, PMS या गूगल एड्स, ये सीरीज जो है आगे आने वाले टाइम में इसको ग्रो करने की कोशिश होगी, तभी चैनल ग्रो होगा। अभी चैनल क्यों नहीं उतना ग्रो हुआ है, क्यों? क्योंकि एक सीरीज जो है वो यहाँ पे नहीं बनी है। जब तक आप सीरीज नहीं बनाओगे तब तक आपका, अब यहाँ पे क्या है कि हम यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली बात है। जब तक आप यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप जो है स्पेसिफिकली ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको जो भी चैनल बनाना है, जिस तरीके से भी चैनल बनाना है, आपको कोशिश करना है कि वो एक एक सीरीज में हो, चार वीडियोज हो, चारों आपस में मर्ज हो। ब्लॉगिंग पे बना रहे हो तो चार ब्लॉगिंग की कुकिंग पे बना रहे हो, तो चार वेजिटेरियन आइटम्स बना रहे हो तो चार वेजिटेरियन आइटम्स, अगर आप कलनरी पे बना रहे हो तो चार नॉनवेज के आइटम्स, तो उसको भी, ताकि आप उसको कोलैब कर सको। और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग क्या क्या चीजें, छोटी छोटी चीजें लोग मिस कर देते हैं और वो क्यों नहीं मिस करना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, होपफुली। दीपांकर आपको क्लियर हो गया होगा, चार पांच वीडियो इज मोर देन इनफ, आपको मंथ में उससे ज्यादा काम नहीं करना है। अभी मैंने कुछ रिसेंटली कुछ बड़े यूट्यूबर्स के साथ में मेरा मतलब डिस्कशंस चल रहा है, हमारे कुछ कोलैबोरेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इनका एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, इससे शायद आपको बहुत ज्यादा क्लियरेंस होगा। और जब लोग मल्टीपल निश पे काम करते हैं ना, तो मल्टीपल निश पे से लिट है, तो इसको मैं ओपन करता, शायद आपके आप लोगों ने इनके कुछ वीडियोज वगैरह कुछ देखे भी होंगे, तो इसके इनके जो है चैनल पे भी इनसे मेरा डिस्कशंस चल रहा था, हमारा कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेल्फाई को लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे एक चैनल है, और एक साथ में चार चैनल और हैं, यहाँ पे बेंगे, रीचा, हटके, ऑल राइट, राइट, ये टोटल पांच चैनल है। और इन पांचों चैनल का ना अपना अलग अलग ऑडियंस है,
राइट, सब चैनल ने अपना अलग अलग बना रखा है कि वो किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, और जो जैसा आएगा, लेट सपोज इनके प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा एक कुकिंग का ब्रांड है, राइट, अब मुझे अपना कुकिंग का प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, तो कुकिंग के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए मेरे को सबसे बढ़िया आइडिया क्या लगता है, इनके पास ऑलरेडी उन्होंने कभी कुकिंग को प्रमोट किया है, तो ये देखो कुकिंग बेस्ड जो है ये लोग बनाते हैं, तो यहाँ से मैं इनको, इससे मेरे को अश्योरेंस मिल जाएगा कि ये चैनल किस तरीके का है, राइट। या फिर आप इनके अबाउट सेक्शन में भी पढ़ लोगे कि क्या है नहीं है, किस तरीके का चैनल है, क्या है, एसोसिएशंस है नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो आपको चीज देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना है कि इन्होंने किस तरीके के चैनल वीडियोस को कवर कर रखा है। और फिर मैंने पूछा कि आपने मल्टीपल किस क्यों बनाए, आपने मल्टीपल चैनल्स क्यों बनाए, तो फिर एक चैनल से पर्पस नहीं सॉल्व हो पाता है। तो जहां कहीं भी आपको लगता है ना कि एक चैनल से आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है, वहां पे आप मल्टीपल चैनल्स बनाते हो। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि उनके दो तीन चैनल होते ही होते हैं, एक चैनल पे वो बेसिकली फेस के साथ में आते हैं, एक चैनल पे वो विदाउट फेस रहते हैं, एक चैनल या फिर उनकी टीम मैनेज कर रही होती है। ऐसा सतीश भी 5 चैनल्स मैनेज करता है, राइट। तो जैसे इन्हीं की टीम है, ये कम्प्लीटली जो है 5 चैनल मैनेज करते हैं, और सबका अपना अलग अलग है, सबका अपना अलग इन्फ्लुएंस है सब पे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी अलग अलग आते हैं। अब आप एक बात बताऊं, अगर आपका सब्सक्राइबर बेस बहुत कम होगा ना, तो आपके चैनल पे बड़े यूट्यूबर बड़े इन्फ्लुएंसर आना प्रेफर नहीं करेंगे। तो उस केस में अगर आपको बड़े इन्फ्लुएंसर को अपने चैनल के ऊपर में लाना है, या फिर आपको कोशिश करना है कि ऐसे लोग हमारे चैनल के ऊपर में आए जो लोग हमारे मार्केट वैल्यू क्रिएट कर सके, तो उनको लाने के लिए आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्टेंट शेयर करना पड़ेगा, और जो आपकी प्ले लिस्ट है उससे, या फिर आपका जो चैनल का इन्फॉर्मेशन है, गाइडलाइंस है उस, या वीडियोस की जो जिस वीडियोस जिस तरीके की वीडियोस आप कवर कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो, अब ये इस तरीके की चीज में ना आप कौन कोई क्या प्रमोट कर सकता है, यहाँ पे आप ईयरफोन प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप कोई गैजेट प्रमोट कर सकते हो, मोबाइल फोन प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि डिस्कशंस में वही आ सकता है, या फिर कुछ खाने पीने का आइटम प्रमोट कर सकते हो। तो आपके पास में प्रोडक्ट प्लेसमेंट उस टॉपिक के ऊपर में आएंगे, अभी मेरा लास्ट जो हाफ एन आवर होगा वो उसी के बारे में डिस्कशन होगा। अभी बैक टू मैं अपने सेशन के ऊपर में आता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकलिटीज की, जो हमारा सबसे पहले जो हमारा बात था कि ट्यूब बडी एक्चुअली में कैसे काम करता है, या फिर क्या होता है ट्यूब बडी। आप अपने YouTube चैनल के ऊपर में जाओगे, यहाँ पे मैं नॉर्मली मैं यहाँ पे YouTube ओपन कर लेता हूँ। YouTube ओपन करने के पास में यहाँ पे देखो, हमने ट्यूब बडी जो है ना वो बेसिकली इंस्टॉल कर रखा हुआ है। ट्यूब बडी इंस्टॉल करने के बाद आपके पास में ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, कहाँ गया, vidIQ है, ठीक है। vidIQ भी ट्यूब बडी की तरह ही काम करता है, मैं vidIQ एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को ट्यूब बडी समझना है तो वो सेम ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी पे काम करता है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है ट्यूब बडी में और vidIQ में। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखो इस, अगर आप कोई भी चैनल अगर ओपन करते हो ना, तो ये लेट सपोज, अब ये मेरे चैनल का थोड़ा सा स्टैट्स जो है आपको दिखा रहा है, ये चैनल का जो स्टैट्स है वो आपको बेसिकली एक आइडिया आपको दे देता है। अब यहाँ पे मुझे लेट सपोज मुझे अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना है, ठीक है। अब मुझे एक रुशद राणा का इंटरव्यू लेना है, लेट सपोज मुझे रुशद राणा का इंटरव्यू लेना है, एक कोई भी सेलिब्रिटी फेम है, तो अगर मुझे इनका इंटरव्यू लेना है तो पहले तो मैं इनके बारे में देखूंगा कि मैं इंटरव्यू लूँ, मेरे को बेनिफिट होगा अपने चैनल पे इनका इंटरव्यू डालने से कि नहीं होगा, जैसे कि हम लोग लेट सपोज इंटरव्यू सीरीज प्लान कर रहे हैं। तो vidIQ टूल कैसे हेल्प करेगा मेरे को ये बेसिकली टूल, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही मैंने ये डाला रुशद राणा का डाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया कि व्यूज कितने आए, एवरेज व्यूज कितने आते हैं, राइट। जो चैनल्स ने फीचर कर रखा है उनके सब्सक्राइबर्स वगैरह वो एक कैलकुलेट करके आपको दे देता है, और कब से ये पॉपुलर है, ये टफ है कि नहीं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टॉप चैनल जिन्होंने जिसपे रुशद राणा के नाम से व्यूज आते हैं वो कैसे, ये ज्वाइन फिल्म, जी म्यूजिक कंपनी और मिंड फ्रेश, इन सब ने इनको फीचर कर रखा है, तो यहाँ पे आपको इनके बारे में जिन्होंने भी फीचर करा उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास में आ जाएगा। इसके अलावा टॉप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग वोट कर सकते हैं, रुशद राणा इंटरव्यूज इसके बारे में रिसर्च होता है, सीरियल्स इसके बारे में रिसर्च होता है, राइट। तो इसके टॉपिक के ऊपर में हम लोग जो है वो बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली बना सकते हैं। इसके अलावा जब मैं स्पेसिफिकली किसी भी इंटरव्यूज को ओपन करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे इंटरव्यू लेना है ना, तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू लिख दूंगा,
ये इंटरव्यू लिख दूंगा और मैं इस इंटरव्यू के थ्रू से जो भी टॉप पे आएगा, लेट सपोज ये वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं है, इस पे थोड़ा सा व्यूज है, ये ज्वाइन फिल्म्स वाले पे व्यूज है, मैं इस वीडियो को ओपन करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैं एक्सपोजर ले सकता हूँ, या फिर अगर ये जिस तरीके का कंटेंट ये क्रिएट कर रहे हैं, अगर बेसिकली मैं भी उसी तरीके का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँ, या फिर इस वीडियो से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, तो मेरे को एडवांटेज जनरली जो है ये मिलेगा। ये वीडियो जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बारे में ना, इस वीडियो के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने में आ गया है कि इसका VidIQ का अपना एक स्कोर कार्ड होता है, वो सारा स्कोर कार्ड जो है ये देखिए VidIQ स्कोर है, ये आउट ऑफ 100 स्कोर देता है कि इस वीडियो का पॉपुलैरिटी, इंगेजमेंट और चैनल का एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एक स्कोर प्रोवाइड करता है, कितना व्यूज है ये भी आपको दिखा देता है। वैसे तो आपको यहाँ पे भी व्यूज दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा इनसाइट्स ज्यादा मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी रेशियो मतलब कितना लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, कितने डिसलाइक कर रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, वो सब सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको इसका SEO का स्कोर मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको SEO का स्कोर मिल रहा है, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंटर्स मिल रहे हैं, और इसको आपको कैसे इम्प्रूव करना है वो सब सारे आइडियाज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सब आप कैसे कर सकते हो। लेकिन आप इस वीडियो में तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये वीडियो तो किसी और का है, आप अपने में कर पाओगे, राइट। और इसके अलावा ये पॉइंटर्स होते हैं, कुछ वीडियो ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट होती है, ये इस पर आपको काम करना पड़ता है। जब भी आप वीडियो बनाते हो, कोई भी वीडियो बनाते हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा टाइटल डालना है, बहुत डिटेल टाइटल नहीं होगा, ये टाइटल थोड़ा सा लंबा है, टाइटल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। और जैसे कि अभी नीति ने क्वेश्चन पूछा था आपने लाइव क्यों लिखा, तो लाइव लिखने से क्या होता है ना, लोगों को ना क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि कोई लाइव है तो वो इंस्टेंटली आप उसको देखने जाते हैं, उस वीडियो को देखने जाते हैं। थोड़ा सा मिसगाइड भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मिसगाइड नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोस में क्या होता है, अगर आपको व्यूज लाना है इनिशियली तो आपको थोड़ा बहुत उसमें जो ऑल्टरेशन जो है वो करना पड़ेगा, और क्योंकि वैसे आपको कोई भी फिर देखेगा नहीं अगर आप उसमें ऑल्टरेशन नहीं करते हो, या फिर उसमें आप चेंजेस नहीं करते हो, देर इज ए वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आपके वीडियोज पे जनरली व्यूज आएगा, या फिर आपके वीडियोज को लोग देखना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट दिख रही है आपको, वो चेकलिस्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पॉइंट्स कि आपको टाइटल यूज करना है, थोड़ा सा शॉर्ट टाइटल्स, ये कह रहा है थोड़ा सा लॉन्ग टाइटल हो गया, टैग्स यूज करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है टैग्स, टैग्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि टैग्स आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से टैग्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्ट्रेशन इन द सेंस की चेंजेस की बात कर रहा हूँ कि आप थोड़े से ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मीन्स उसमें कुछ ट्वीक ला सकते हो उसमें, राइट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन आपका बहुत डिटेल्ड वन होना चाहिए, जैसे कि इसमें आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा ना, और मेरे यहाँ पे आपका डिटेल से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आप ये देख सकते हो कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन है, अगर आप डिटेल से डिस्क्रिप्शन लिखते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कार्ड्स डालने आपके लिए ज़रूरी है, वो कार्ड्स कैसे डाल देते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। और एंड स्क्रीन डालना ज़रूरी है, आप अगर आप एंड स्क्रीन वगैरह डालते हो उसके वीडियो के लास्ट में, कोई भी वीडियो होता है उसके लास्ट में आपको एंड स्क्रीन दिखता है, ताकि आप जो है वो छोड़ के ना जाओ, आप उसी चैनल में दूसरे वीडियो पे स्विच कर जाओ। हाई रिजोल्यूशन थंबनेल बनाना आजकल बहुत इजी है, और थंबनेल बनाने के लिए बेसिकली आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो, और हाई रेजोल्यूशन थंबनेल बहुत अच्छे से बन जाता है, हम लोग भी कैनवा का यूज़ करते हैं, वो भले PMS का चैनल हो, भले वो आपका सेलिफाई का हो, या फिर इवन HelpAF के वीडियोस पे, और इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आज की डेट में कैनवा यूज करते हैं। इसके अलावा आपको शेयर्ड ऑन फेसबुक और ट्विटर, मीन्स इसको सोशल शेयर बोल सकते हो आप, सिर्फ यही नहीं, आप अगर ट्विटर लिंक्डइन पे भी शेयर करते हो वीडियोस, उससे आपको फायदा होता है। जनरली क्या होता है, जितनी आप वीडियोस शेयर करते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सोशल शेयरिंग बढ़ता है, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ता है वीडियो का, और अगर आपके फर्स्ट 1-2 आवर्स में आपके वीडियोस पे हिट आता है, तो इंस्टेंटली आपका वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि यूट्यूबर जितने भी हैं, अगर उनका चैनल वीडियोस उठता है ना, तो वो विद इन कुछ आवर्स में उठ जाता है, जो आपका वो ट्रेंड में आता है वीडियो, मोस्टली वो वीडियोस ट्रेंड में आते हैं जो रिसेंटली उठते हैं। और तो अगर आपका वीडियोस पे बहुत जल्दी और बहुत क्विकली में व्यूज आता है, तो यूट्यूब को लगता है ना कि देखिए सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, कोई भी, इन सब का ना एक बहुत बड़ा मैट्रिसेस यही होता है, इंगेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। तो अगर आप इंगेजमेंट ला पाते हो इनिशियल फेज में, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। देन शेयर्ड ऑन ट्विटर, मैं हमेशा मानता हूँ
हर एक चैनल के लिए अच्छा है। अगर आप लोग ट्विटर बनाते हो, आपने बड़े बड़े बेसिकली एक्सपर्ट्स को देखा होगा, वो ट्विटर पे जाते हैं, लिंक शेयर करते हैं। ट्विटर पे लिंक शेयरिंग का भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपके एक्चुअली लिंक भी कई बार बहुत जल्दी क्रॉल हो जाते हैं अगर आप ट्विटर पे अपने ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन, वीडियोस वगैरह शेयर करते हो। बाकी आपको पब्लिक करना है, इस वीडियो को प्राइवेट नहीं रखना है, वो तो सबको पता है। देन बात आती है टैग्स की, आप किसी भी वीडियोस के टैग्स यहाँ से निकाल सकते हो। अगर मुझे इंटरव्यू सीरीज बनाना होगा बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो टैग्स बनाऊंगा। यहाँ पे आपको वीडियो टैग्स दिख जाएंगे कि, और इसमें ये भी दिख जाएगा कि आपका वीडियो किस टैग पे रैंक कर रहा है, ये किस, जैसे रुशद राणा इंटरव्यू नंबर 3 पे आ रहा था, इस टैग पे रैंक कर रहा है। अगर आपका टैग यूनिक होता है या फिर आपका कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच करता है आपके इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली यूट्यूब पे रैंक के आने की प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैग्स का जो एक काउंट है वो बहुत ह्यूज नंबर में है, और इन्फॉर्मेशन इसलिए मैच करो, और मैच करवाना पड़ता है। आप अननेसेसरी कुछ भी टैग नहीं डाल सकते हो। अगर आप कुछ भी टैग डाल देते हो और आप सोचते हो कि आपका वीडियो मार्केट में हिट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और अगर आपका चैनल सेम टॉपिक्स के ऊपर में बनता जाता है, सेम टॉपिक का डिस्कशन करता है, तो आप ये देखो आपके कुछ चैनल्स ना, आपके चैनल को कुछ पर्टिकुलर टैग्स के लिए जाना जाता है, और आपको यहाँ से भी फायदा होता है। आपके चैनल्स के भी टैग होते हैं, लेट सपोज आपके 50 वीडियोज हैं या 100 वीडियोज हैं, और 100 वीडियो में आपके आपका वीडियो का पर्पस तो सेम ही होगा ना। लेट सपोज मेरा सेलिफाई है, तो ये किस पर्पस के लिए, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, या पर्सनलाइज मैसेजेस के लिए, पर्सनलाइज वीडियोस के लिए। तो मैं जब उस तरीके के वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे मोस्टली वीडियोस में ना सेम टैग रखता हूँ। जैसे मैं पीएमएस की वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरे आपको सारे वीडियोस में कॉमन मिलेगा, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कई सारे वीडियोस में कॉमन मिलेगा। तो चैनल को एज ए टैग एक तरीके से रिकोगनाइज कर लेता है, और उसकी बेसिस पे वो रैंक कराना चालू करता है। और फिर जब कुछ यूनिक स्टफ मिलता है, ये सब आपको डालना कहाँ है वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि आपको कैसे डालना है इस सारे चीजों को। यहाँ से आपको सिर्फ vidIQ ने आपको इतना सारा रिसर्च करके आपको दे दिया, इतना डेटा आपको दे दिया कि आप आपके लिए काम करना। और मुझे नहीं लगता कि इतना डेटा के बाद आपको जरूरत भी होती है कि एक्चुअली कि आप पेड टूल्स वगैरह यूज करो। लेकिन अगर आप पेड टूल्स यूज करना चाहते हो, जब आप इस पे क्लिक करोगे, बेसिकली आप इस पे इस आइकन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको चाहिए होती है, लाइक कंपटीटर्स, कौन से कंपटीटर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब के लिए आपको एक्चुअली में पेड टूल्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मैं और रिसर्च करूं और बेटर से अपने वीडियोस को बेटर बनाऊं, तो आपको इसकी ज़रूरत होती है, राइट? तो उस केस में आप पेड टूल्स का यूज़ कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पेड टूल्स के थ्रू से जाएं। वीडियो ही चल गया। तो जनरली आपको यहाँ से बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन मिल गया, और आपने यहाँ से, और लेकिन आपको करना क्या है ना, आपको टैग ना रिकग्नाइज करना है। आपको जब आप एक बार टैग रिकग्नाइज कर लोगे, आप सारा डेटा जो है रिकग्नाइज कर लोगे, उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को मेरे वीडियो में क्या डालना है, ठीक है? और अपने वीडियो में डालने के लिए आपको जनरली मैं आपको एक अपना एक ऑप्टिमाइज वीडियो दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत हद तक क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे अपना vidIQ का या ट्यूब बडी का स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो चलो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में ले चलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम गए योर चैनल में, गए यहाँ पे योर चैनल पे आने के बाद, अब जैसे मैंने इन सोनालिका जोशी का वीडियो जो है बेसिकली ओपन किया, मैंने इनका वीडियो ओपन किया, तो मैं इसकी वीडियोस के थ्रू से मैं थोड़ा सा इनको डिटेल से जो है इसकी वीडियो के बारे में जान लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या लैकिंग है। और मैं आपके सामने में ये जो आपको स्कोर दिख रहा है ना, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली इसका स्कोर और इम्प्रूव करके बता दूंगा। वैसे अगर वीडियो कोई अच्छा काम कर रहा हो और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप उसको ज़्यादा मत छेड़िएगा, ठीक है? कई बार जीरो ऑप्टिमाइज वीडियो बहुत अच्छा काम करती हैं, आपको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस वीडियो को। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन, ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका वीडियो क्लिक हो रहा है तो। लेकिन जब हम हैं तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखो स्कोर्स वगैरह आ रहा है। अब मेरे मैं चाहूँ तो इसको पूरा का पूरा जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं और बाकी का सारा डेटा आपको दिख रहा है, ये इस सब के बेसिस पे। चैनल देखिए, अब चैनल इतना ही प्रमोशन हुआ है कि इसके भी अपने टैग्स बन गए, जबकि इसको हार्डली हम लोग 2 महीने से प्रमोट कर रहे हैं, राइट? और इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब आप ऑप्टिमाइज जो है बेसिकली कर सकते हैं। अब आपको क्या करना क्या है, आप जाओगे इस एडिट वीडियो के सेक्शन के अंदर में, आपको एडिट वीडियो पे क्लिक करना है।
जब आपने ये बेसिकली वीडियो का पूरा जो है ये इंटरनल पैट वो आपका आ गया, सारा इंफॉर्मेशन आपका आ गया, राइट, ये सारा का सारा डेटा आपका आ गया यहाँ पे देखिए, आपको एनालिटिक्स में दिख जाएगा कि ये वीडियो ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा इसको चेंज करने में, क्योंकि जो चीज़ें टीम ने कर दी इस पर भी ग्रोथ अच्छा है, अच्छा व्यूज़ आ रहा है इस वीडियो के ऊपर में। इतना छोटा वीडियो 27 सेकंड का, फिर भी 15 आवर्स का वॉच टाइम हो चुका है। आई फील पब्लिश हुए इस वीडियो को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और इसको वीडियो को पब्लिश हुए 2-4 दिन ही हुआ है, और स्टिल 4 दिन हुआ है, आई फील 4 या 5 दिन, और इस वीडियो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई फील ये वीडियो लास्ट 7 डेज के काउंट के हिसाब से देख लेते हैं, पहले खुश हुआ लास्ट 28 डेज, हाँ ये 24th को ये वीडियो हमने डाला था, और उस दिन के बाद से देखिए 17 सब्सक्राइबर भी आए, कुछ वॉच टाइम भी आया इसके थ्रू से, राइट। आज ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये वीडियो। तो अगर मैं आज क्या ही डेटा के ऊपर में जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अभी लास्ट 48 आवर्स में ये वीडियो काफ़ी ग्रो कर रहा है, और ये चैनल के सारे वीडियोस ग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि एक बार आपका वीडियोस उठ गया ना, कोई भी आपका चैनल उठ गया ना, तो आपकी वीडियोस के ग्रो होने के चांसेस पूरे के पूरे पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, और आपके सारे वीडियोस ग्रो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है कि आप कितना वैल्यू डाल रहे हो। तो अगर आप वैल्यू नहीं डालोगे तो आपका चैनल फिर से डिक्लाइन हो जाएगा। अभी हम जाएंगे डिटेल्स के अंदर में, क्योंकि हमें आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताना था। तो अगर मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इस टूल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये टूल मेरे को और भी इनसाइट्स वगैरह देता रहता है। यहाँ पे देखिए और इनसाइट्स आएगा मेरे पास में, यहाँ पे ये बता रहा है इतना स्कोर है 30.5 आपका भी IQ स्कोर है। चेकलिस्ट में से कुछ चीज़ें बोल रहा है कि आपकी पूरी नहीं है, मोनेटाइजेशन तो इनेबल नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने इस चैनल का हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं किया और 4000 आवर्स का वॉच टाइम। मोनेटाइजेशन के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि 1000 आवर्स का जनरली आपका वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, राइट। तो वो सब चीज़ें आप पूरी कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको ट्विटर और फेसबुक में शेयर नहीं किया, अगर ये दोनों चीज़ें हम लोग कर देते हैं तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे एटलीस्ट 1 कार्ड आप चाहो तो इस पर कार्ड ऐड कर सकते हो, कार्ड ऐड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको पहले शुरू से ले जाता हूँ, शुरू से नंबर 1 बेसिक पॉइंट से हम लोग क्लियर करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले टाइटल कुछ अच्छा सा डालना है, सोनालिका जोशी, जो कि बेसिकली तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वो एक नोन फेस है बेसिकली। आप लोग कई लोग देखते भी होंगे, मैं जनरली सीरियल्स नहीं देखता, राइट, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो फिर भी आप लोगों में कुछ लोग देखते होंगे। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, सोनालिका जोशी इज लाइव ऑन सेलिफाई.com। हमने क्या लिखा, ऑन सेलिफाई.com, यहाँ पे मिस गाइड नहीं कर रहे हैं, हमने लिखा ऑन सेलिफाई.com, वो लाइव है। मतलब किसी को भी बेसिक ऑर्डर चाहिए, उनसे कुछ बर्थडे विश चाहिए, पर्सनलाइज चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये हमने मिसगाइड यहाँ पे कुछ भी नहीं किया किसी को। देन आता है गेट पर्सनलाइज मैसेज। तो इसका एक्चुअली में हमारा, हम क्या चाहते हैं कि कोई लिखे ना पर्सनलाइज विशेज, ये लिखे तो हमारा जो चैनल का मेन एजेंडा है, सारा कुछ व्यूज पे नहीं आके अटकता है, क्योंकि व्यूज से आपका सब कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो मेन पर्पज है, अगर आपको राइट क्वेरीज नहीं मिलेंगी, अगर आपको राइट जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलेगा, तो आपका जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आपको जनरली कि ऐसा कुछ डालना है जिससे कि आपको एक्चुअली में बेनिफिट मिले। सोनालिका जोशी को तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, हम पर्सनलाइज विशेष दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ये इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे सारा का सारा उसका डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया, पूरा डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया। आप इसमें आप भी ऐसे ऐड कर सकते हो सारा का सारा, कुछ आइकन्स वगैरह, आजकल आइकन्स वगैरह भी लेता है, आप आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी आइकन्स वगैरह डालना है। यहाँ पे देखो, आप राइट क्लिक करोगे, इमोजेस डालने हैं आपको कुछ और, तो इमोजेस आप डाल सकते हो, आपको जो भी इमोजेस वगैरह सही लगते हैं। और हिंदी में लिखा हुआ है कुछ कुछ चीज़ें, तो वो जनरली आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी बता रहा है, बट वो है नहीं, वो सारा उनका नाम वाम है। तो ये है, प्लस इसके अलावा हमने वो पूरे के पूरे स्टेप सब कुछ डाल रखा है। और सबसे नीचे में होता है जनरली आपका, यहाँ पे हैशटैग्स वगैरह भी आप डाल सकते हो, सबसे नीचे में आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ से आप हैशटैग वगैरह डालते हो तो ये आपको चैनल के वीडियो के ऊपर में दिखता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया। तो हमने चेकलिस्ट में से अगर मैं बात करूँ तो हमने टाइटल वाला पार्ट पूरा कर दिया। अगर SEO पे ही जाते हैं हम लोग, लेट सपोज यहाँ पे हमने कीवर्ड्स एंड टाइटल 2 और एक्शनेबल कुछ कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप करते हो तो बेटर है।
यहाँ पे इसके अलावा उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आता है आपका टैग्स ऐड करने का। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है टैग्स ऐड करने का। अब बेसिकली आप जिस किसी से भी इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आपको बेसिकली वो किया जाता है या सर्च किया जाता है, उस तरीके के हैशटैग्स अगर आप डालते हो तो आपको ज़्यादा ऑब्वियसली तारक मेहता का उल्टा चश्मा डालना तो उस पर देखिए हमारा सर्च में भी आ रहा है, राइट तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 27th या 28th नंबर पर आ रहा है। जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली ये स्टैट्स भी आपका क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ लोग अलग अलग नाम से डालते हैं तो वो भी डाला हुआ है, इनके नाम के टैग डाले हुए हैं ताकि लोग अगर सर्च करते हैं तो वो उसके नाम से आ पाए। सेलिफाई हमने ब्रांड का नेम डाला हुआ है सेलिफाई, और भी हमें जो जो चीज़ें लगती हैं वो हमने इनके नाम से पूरा का पूरा वो जो है वो बेसिकली सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डाल रखा है। तो ये आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड में भी दिखाता है इंडिया कॉमेडी शो तारक मेहता का ओल्डी, तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तारक मेहता कॉमेडी, राइट यहाँ पे देख लेते हैं तारक मेहता कॉमेडी है कि नहीं। अगर यहाँ पे नहीं है तारक मेहता बाबूदान लिटिल एल फनी, यहाँ पे तारक मेहता कॉमेडी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डालोगे आपको ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा, देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा न्यू एपिसोड ये वो आपको आ जाएगा तारक मेहता कॉमेडी आ गया, राइट तो यहाँ पे आपका जो हैशटैग है जो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे फिर अगर आपको और भी डालना है, अगर आपको लगता है तारक मेहता लिखोगे आप, आपके और भी बेसिकली हैशटैग आ जाएंगे जिससे रिलेटेड हो आपका टॉपिक जो है जिससे रिलेटेड हो। ऑडिबल का इशू किसी और को भी आ रहा है गाइस, इज एनीवन अदर आल्सो फेसिंग, ये आपको मेरा वॉइस ऑडिबल है यस नो, प्रियांजलि को इशू आ रहा है मेरे वॉइस का, इशू तो नहीं आ रहा किसी को, वॉइस इज क्लियर ओके। प्रियांजलि एक बार आप इसको डिसकनेक्ट करके एक बार कनेक्ट कर लो विल बी मच मच बेटर, अगर आप उसको डिसकनेक्ट तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे आप देखो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, अब हमने बहुत, अब मैं तो डायरेक्टली डाल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं अब रिसर्च करूंगा तो उसमें भी उतना टाइम चला जाएगा राइट। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ पे मेरे के माइंड में और भी कुछ आता है जिसके थ्रू से मिसेस भिड़े के नाम से भी जानते लोग, मिसेस भिड़े या ऐसे कुछ मिसेस भिड़े क्रिएटिविटी राइट, वो उसके नाम से भी लोग जानते हैं उनको, मैं इतना देखता नहीं हूँ, एक दो बार मैंने देखा तो उसी से मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि मैंने वो तो। और आपको जो भी आपको लगता है कि काम कर सकता है जिससे कि एक्चुअली में वो फेस जो है वो रिकग्नाइज हो जाए, जिससे आपका वीडियोज रिकग्नाइज हो जाए, जो टॉपिक आपने वीडियोज में शेयर किया है वो रिकग्नाइज हो जाए, दैट्स वाई हम लोग उस तरह के टॉपिक को खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे को कुछ दिखाया था यहाँ पे बता रहा है ये ऑलरेडी मैंने डाल दिया है राइट, और यहाँ पे कुछ सजेस्टेड में आपको दिखा देगा, और आप जब तक 10-15 वीडियोज नहीं देखोगे ना आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है राइट, जब तक आप पूरे के पूरे वीडियोस नहीं देखोगे, जब तक आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन डेटा रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आपको सारा का सारा डेटा जो है वो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किस पे काम करना है किस पे काम नहीं करना है। और यहाँ पे आपको टैग डालने से पहले आपको एटलीस्ट 5-10 वीडियो जो है, और आपको देख चलो इसको और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे भी जाते हो किसी और के थ्रू से क्या नाम था इसका सोनालिका जोशी, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सोनालिका जोशी, इनके कुछ वीडियोस हम देखेंगे यहाँ से उनके बारे में, हमें इनका कुछ होगा ये तारक मेहता ये है, इनके व्यूज नहीं है, अब इस पे व्यूज काफी हैं ठीक है, इस पे सास बहू और बेटियां इस पे काफी सारे व्यूज हैं राइट। तो आप देख सकते हो कि इस वीडियोज के थ्रू से हम थोड़ा सा डेटा निकाल सकते हैं क्योंकि इस वीडियो पे बहुत सारे ऐसे टैग्स होंगे जिसके बेसिस पे ये वीडियो जो है मेनली रैंक कर रहा होगा, यहाँ से आप हैशटैग निकाल सकते हो। हाँ देर इज ए लिमिट, आप यहाँ पे देखोगे, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 500 वर्ड का लिमिट है, हमने ऑलमोस्ट 470 वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, तो 500 वर्ड का लिमिट है, तो सो यू हैव लिमिटेशन, आपको लिमिटेशन में रह के ही यूज करना है और बहुत ज्यादा डेटा आपको यूज नहीं करना है, सो दैट आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा मतलब कि सर्चेज में आ जाए। अब देखिए ना ये वीडियो बहुत पहले डाला हुआ है तो इस वीडियो में अब ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है वो बहुत लो है ठीक है, बहुत ज़्यादा लो है, कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ ये वीडियो, और यहाँ पे हैशटैग्स वगैरह भी कुछ नहीं है क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स ना इतना ऑप्टिमाइज भी नहीं करते चैनल, तो
तो ये इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप इसको बस ऑप्टिमाइज करोगे तो आप सोचोगे कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। सारा कुछ ऑप्टिमाइजेशन का, अब यहाँ पे भी देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा माधवी भिड़े, ठीक है, इस पे काफी सारा इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली आया हुआ है, इस पे वीडियोस पे व्यूज भी काफी अच्छे हैं, तो इस वीडियो को एज ए हम रेफरेंस काउंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में भी अगर मैं बात करूँ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, हार्डली कुछ वीडियो टैग यूज हुए हैं। सीक्रेट्स ऑफ माधवी भिड़े, अब मुझे ये नहीं पता था उनका चैनल में नाम माधवी है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है कि आप उसका जो इनका जो नाम है वो नाम डाल सकते हो, ऑब्वियसली लोग उस पर सर्च करेंगे माधवी भिड़े तो वो वीडियो आपका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको जनरली, और यहाँ पे आप इसको सेव कर दोगे क्योंकि अब मे बी पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी है कि जब इस तरीके के कुछ सर्चेज होंगे तब आ जाएगा। अब इसके बारे में ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने टाइटल समझ लिया, टाइटल आपका देखिए थोड़ा बहुत टाइटल के साथ में सब प्ले करते हैं, आप बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल देखोगे ना वो सब प्ले करते हैं टाइटल के साथ में। आप जैसे ये तारक में इन्होंने देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये जरूर यूज किया क्योंकि उनको पता है कि इस पे बहुत सर्चेज आते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारा पर्पस दूसरा है इसलिए हम लोग नहीं यूज कर सकते इसको। और फिर देन है इसका, अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ माधवी भिड़े अक्का सोनालिका जोशी स्टोरी, राइट, ये बहुत ज्यादा मैच कर जाता है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा खासा ठीक से लिखा होगा। बड़ा चैनल है तो चलता है, अगर बहुत बड़ा चैनल है तो वो लोग इतना काम भी नहीं करते उस चीजों पे। और लेकिन आपको करना पड़ेगा, इनिशियली करना पड़ेगा, यू कांट मिस। आप सोचोगे अरे मैं मिस करके मैं निकाल दूंगा इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको काम उस पर करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाला तो अब उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे देखा और हम क्या कर सकते हैं। तो ये चेकलिस्ट अगर आप पूरी कर लेते ना तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा, एटलीस्ट वन कार्ड। अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट आप एक कार्ड जो है बेसिकली ऐड कीजिए। यहाँ पे आपके पास में कार्ड डालने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वीडियोस में आपको जहाँ कहीं भी कार्ड लगाना है और जहाँ कहीं भी बेसिकली कुछ और आपको वीडियो का लगाना है इन्फॉर्मेशन तो आप लगा सकते हो। आपको बेसिकली वीडियो, ये इतना छोटा वीडियो है ना, तो आप अगर आपको उसको सब्सक्राइब का लगाना चाहते हो, देखिए ना मेक योर लव वंस हैप्पी, यहाँ पे टीजर टेक्स्ट, फिर लगाया हुआ है ये, फिर भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ना लगा हुआ है ये, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है आपका कार्ड लगा हुआ है। तो ये आप चैनल लगा देते हो, आपको चैनल सब्सक्राइब कराना होता है वो लगा देते हो। अब देन आपका एंड स्क्रीन, ये एंड स्क्रीन बहुत जरूरी है कि लास्ट में जब वीडियो आप देखते हो ना तो आपको लास्ट में ना दो तीन वीडियो दिखने लग जाते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये देखो ना एंड स्क्रीन पे हमने ना दूसरा वीडियो जो हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो हमने लगा रखा है, और यहाँ पे जो लास्ट का वीडियो होगा ये लास्ट पार्ट में हमने लगा रखा है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो जो है आपको दिख जाएगा यहाँ से कोई भी क्लिक करके। एंड स्क्रीन का मतलब होता है कि वीडियो के लास्ट में आप जो है एक और वीडियो जो है इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपको बेसिकली बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम आपका जो है बेसिकली सॉल्व हो गया। देन आपका आता है मोनेटाइजेशन, तो बेसिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तक आपको मैंने आपको कंडीशन बता दिया मोनेटाइजेशन का, शेयर्ड ऑन ट्विटर एंड मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें हो रखी हैं, अब इसको बस फेसबुक और ट्विटर पे जैसे शेयर करूंगा ये हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसके अलावा क्या है, टैग्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये बता रहा है कि जो आपका टैग्स का ना जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जो आपने टैग्स यूज किए हैं वो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के टैग्स नहीं है। तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से हाई वॉल्यूम वाले बेसिकली आपके टैग्स हैं उसको हम लोग यूज़ कर पाएँ, तो उससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा। टू कीवर्ड्स इन टाइटल जनरली जो है वो हर एक पॉइंट का ना एक एक स्कोर मिला हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ इन डिस्क्रिप्शन, ये तो ऑब्वियसली हम डिस्क्रिप्शन में तो सारे कीवर्ड डाल दिए हमने, लेकिन हमारे पास में ये पॉसिबल नहीं था कि हम टाइटल में सारे कीवर्ड्स डाल दें, तो वो स्कोर जो है वो जनरली लेस ही रहेगा। तो अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत हद तक वीडियो ऑप्टिमाइज है, हमने इसको इतना इस पर काम कर दिया ना कि वो जनरली आप इसको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम देखते हैं और कुछ ऑप्शंस बनता है तो वो हम डालेंगे। मोर ऑप्शंस में आप जा सकते हो, अगर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखना है आपको कि आप क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सब कुछ डाला हुआ है आपको, स्टैंडर्ड लाइसेंस एवरीथिंग फुल है, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन कम्प्लीट है, मतलब टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है। देखो एक पॉइंट जो हमें बढ़ा सकता है यहाँ पे वो बेसिकली टाइटल का वो बड़ा होना है, लेकिन हम टाइटल को, मैं नहीं चाहता कि हम टाइटल को मैं छोटा करूं क्योंकि आई फील टाइटल ठीक है, हम इतना बड़ा ही टाइटल रखना चाहते हैं,
इससे छोटा करेंगे उनके अकॉर्डिंग 20-60 वर्ड्स का होना चाहिए, इतना छोटा नहीं कर सकते हम लोग। और थंबनेल भी बहुत पावरफुल लगा हुआ है, थंबनेल में कोई इशू नहीं है, राइट। और नो फॉर किड्स और सर्च वॉल्यूम, अब देखो जिस चीज़ का वीडियो है हम उस चीज़ के बारे में ही बात करेंगे, तो हम किसी और चीज़ के बारे में तो बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बेसिकली ये एक सिनेरियो आता है जहाँ पे आप चाहो तो चाहके भी उसमें और ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज़ से आपका रेलिवेंसी है वो आपका क्रिएट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिकली ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन आपका डालना ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस चैनल में हो रखी हैं और ये सब सारी चीज़ें आपको करनी है, इससे आपका वीडियो जो है वो रैंक में आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो आपका मेन पर्पस है, कोर ऑब्जेक्टिव है, वो आपका पूरा हो जाएगा जिस चीज़ के लिए आपने बेसिकली चैनल जो है वो बनाया है। और अगर आपको इस चैनल का थोड़ा सा और समझना है और आपको फिर इसी से रिलेटेड आप इनका इंटरव्यू ले लो, देखो ये वीडियो और ग्रो कर जाएगा। अगर मैं इनका इंटरव्यू ले लूँ तो ये चैनल और सेम थिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, दैट डजंट मैटर। इंग्लिश और हिंदी तो बस ना सर एक कम्युनिकेशन का वेज है, चीज़ें टेक्निकलिटीज इज सेम एवरीवेयर, टेक्निकलिटीज की अगर हम बात करें वो सब जगह सेम है, बस मीडियम चेंज हो गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया, दैट्स इट, बाकी सारी टेक्निकलिटीज सेम है, राइट। यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम इसको समझें तो एनालिटिक्स में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि अरे कहाँ पे लैक हो रहा है, हम और क्या कर सकते हैं। रीच में जाके आपको समझना जरूरी है, जैसे आप रीच पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो एक्चुअली में क्यों हिट हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, और क्लिक थ्रू रेट क्या है, इसका CTR क्या है, ये एक टेक्निकलिटीज है जो आपको समझना पड़ेगा। देन हम इसको सी मोर पे क्लिक करेंगे, सी मोर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में एक ट्रैफिक का एनालिसिस आ जाएगा सारा का सारा, ये वीडियो क्यों ग्रो हो रहा है। जनरली ब्राउज फीचर से इसका ज़्यादा आ रहा है, ब्राउज फीचर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राउज फीचर में क्या होता है कि आपका जो होम स्क्रीन पे है वहाँ पे दिखता है ब्राउज फीचर में, या फिर आपका जनरली किसी और एरियाज में दिखना आपका चालू जो है वो हो जाता है, इससे आपको काफ़ी हद तक, इसको देखते हैं ग्राम को और थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मेजर ट्रैफिक सोर्स यही है, अगर मैं बात करूं तो मेजर ट्रैफिक सोर्स हमारा यही पे है। और किस तरीके के लोग देख रहे हैं आप देख सकते हो, आपके पास में कितना सारा इन्फॉर्मेशन है, ज्योग्राफी कहाँ से लोग देख रहे हैं आपके वीडियोस को, मतलब आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको किस रीजन से लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, व्यूज बाय, इसको यहाँ पे ना देख के यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कट रहा है, हम बैक जाते हैं फिर से वीडियोस पे, अब ये देखो आपको यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स, अगर हम ट्रैफिक सोर्स की बात करें सर्च में कैसे हो रहा है, कोई सोनालिका जोशी लिख रहा है ना तो जनरली आपका 15 मतलब ये प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैफिक इतना ही है, मतलब 0.9% ही है, लेकिन स्टिल इससे एक अच्छा खासा एक ट्रैफिक सोर्स जो है वो बेसिकली बन रहा है। यहाँ पे ब्राउज फीचर से इतने लोग आ रहे हैं, ब्राउज फीचर क्या होता है, ट्रैफिक फ्रॉम द होम पेज, जो आपका होम पेज और होम स्क्रीन, द सब्सक्रिप्शन फील्ड एंड द अदर ब्राउजिंग फीचर, जहाँ पे लोग जो आपका जनरली कोई भी होम ओपन करता होगा अपना या अपना यूट्यूब ओपन करता होगा तो ये वीडियो उसको दिखता होगा। आपको बहुत सारे वीडियो कई बार ना आपको अननोन वीडियोस दिखते हैं, या कई बार यूट्यूब को भी लगता है इस वीडियो में पोटेंशियल है तो उस वीडियो को ऑटोमेटिकली वो पुश करता है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको प्रपोर्शन ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड, मतलब व्हाट्सएप से भी ट्रैफिक आ रहा है बट वो बहुत जीरो कम है, 0.01% है, और YouTube सर्चेज से, मतलब कोई YouTube में जाके जब सर्च कर रहा है उससे भी आ रहा है, लेकिन उसके भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे इंटरव्यूज लिखा हुआ है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिखा हुआ है, सोनालिका जोशी लिखा हुआ है, मतलब इससे हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में आपका वीडियोस कैसे काम कर रहा है। और ये सारा का सारा एनालिसिस आप इजिली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर, ये क्रिएटर स्टूडियो है, क्रिएटर स्टूडियो बहुत ही अच्छा फीचर है आपके यूट्यूब का, आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन आपका एंगेजमेंट, क्या आपका वीडियो एंगेजिंग है, क्या आपका वीडियोज में बेसिकली दम है या फिर ऐसा ही है, यहाँ पे बता रहा है दिस वीडियो और टिपिकल परफॉर्मेंस, बाकी वीडियो से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है एंगेजमेंट वाइज कि कैसा जा रहा है, चैनल का एवरेज और ये वीडियोज मतलब कि सही जा रहा है, 56% लोग इसको देख रहे हैं,
वीडियोस एज पर लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आपके वीडियोस को कितना लोग देखते हैं। अगर आपका वीडियोस बहुत कम लोग देख रहे हैं ना, तो आपका वीडियो कभी भी एक्चुअली में आपका वीडियो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। अगर आपके वीडियोस को लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं और बहुत डिटेल से आपके वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपका वीडियोस का ग्रो होने का पोटेंशियल या आपके वीडियोस का ग्रो होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपके वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर आपका जैसे कि इसमें देखो 56%, अगर मैं आपको ओवरऑल चैनल का दिखाऊं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्यों वीडियोस ग्रो होती हैं और कितनी वीडियोस ग्रो होती हैं वो देखना जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, एनालिटिक्स में जाते हैं, वीडियोस के एनालिटिक्स में जाते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा सारे के सारे वीडियोस के। ये देख सकते हो आप, ये वीडियो अगर ग्रो हुआ है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन है 74% लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके वीडियोस को ज्यादा देर तक लोग देखते हैं तो आपके वीडियोस की ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके वीडियोस को लोग कम देर तक देखते हैं तो गूगल को लगता है ना, यूट्यूब को लगता है सॉरी, कि ये वीडियो में इतना पोटेंशियल जनरली नहीं है, तो इसलिए वो उस वीडियो को जो है बेसिकली ग्रो नहीं करता है, राइट। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं गाइस, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग कैरी ऑन करते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ 2 मिनट के लिए। आप लोगों के जो भी क्वेरीज डाउट हो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। आई एम बैक गाइज। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रथम का क्वेरी था कि हम जनरली वीडियोस पे रिटेंशन कैसे लाएं, ठीक है, कैसे हम अपने ऑडियंस को रखें। आपने कभी भी किसी बड़े यूट्यूबर को देखा होगा, वो पहले ही जस्ट ना आपके पहले 10 से 15 सेकंड ना बड़ा एक्टिव रहता है, और 10 से 15 सेकंड में ही वो एक स्लोगन देता है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, मेरा जो सबसे बेस्ट चीज है मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। या फिर आपने कभी भी आप किसी 10 से 15 यूट्यूबर का ना वीडियो का ना पहला सेल्स पिच आप देख लो, और इसीलिए ना वीडियो में रिटेन करने के लिए, वीडियो में ना एक तरीके से पोटेंशियल ऐड करने के लिए यूट्यूबर हमेशा ना जो पहला 15 सेकंड होता है या पहला सबसे मेन पॉइंट पकड़ता है एडिटिंग के टाइम पे, क्या करता है वो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है आपके पूरे के पूरे सेशन का, यूएसपी जो होता है आपके सेशन का, बीच में से वो टॉपिक उठा के सबसे पहले प्ले कर देता है, ठीक है। जब आपका वो थंबनेल प्ले होता है या फिर आपका जो इंट्रो वीडियो प्ले होता है, तो आप हमेशा देखोगे कि जो सबसे हॉट टॉपिक होता है उसको पहले डिस्कस करते हैं, बाद में वो रेस्ट ऑफ द चीज। तो यूजर अपना को ना वहीं पे आप होल्ड कर लेते हो या वहीं पे यूजर को आप बांध लेते हो ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन देखें। और इसीलिए एडिटिंग की जाती है कि वीडियोज में कोई भी पार्ट ना बोरिंग, बेसिकली आपका बोरिंग ना हो। तो उस केस में आप देखिए, इतना रिटेंशन तो आपका नहीं रहेगा, वो तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपका हर एक वीडियोस में जनरली बहुत ज्यादा रिटेंशन रहेगा। बट स्टिल अगर आप एक 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 सही अमाउंट में भी यूजर को आप होल्ड कर लेते हो या फिर उसको अपने वीडियोस पे आप रोक लेते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपको अपने वीडियोस के, इसीलिए मैंने दीपांकर ने जो क्वेश्चन किया था, मैंने उसको कहा था बिल्कुल क्लियरली कि आपका टॉपिक बहुत ज्यादा जस्टिफाइड होना चाहिए, राइट। आपका टॉपिक ना मल्टीपल नीश पे नहीं होना चाहिए, आपका टॉपिक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड ज्यादा होना चाहिए। अगर आप रैंडम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, आज आपने मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली मेरे पास में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया था कि हमें कुछ ना यूट्यूबर्स को हायर करना था, ठीक है। एक ना बेसिकली एक पुणे की कंपनी है, उसको अपना वाटर प्यूरीफायर का प्लांट जो है ना वो प्लांट व्यू करवाना है, मतलब प्लांट पे उनको एक रिव्यू, बिल्कुल प्लांट पे जाए और वो पूरे के पूरे प्लांट का ना एक रिव्यू वीडियो बनाए। तो उसके लिए हम लोगों ने हायरिंग स्टार्ट की थी। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले क्वेरी क्वेश्चन क्या होता है, आप जाओगे आप आपका वाटर प्लांट बिजनेस आपका क्या हो सकता है, व्यू एंड फैक्ट्री व्यू या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, फैक्ट्री व्यू या फिर आप वाटर प्लांट वाटर प्यूरीफायर रिव्यू या प्लांट व्यू ऐसा भी हो सकता है, वाटर प्यूरीफायर रिव्यू। हमने ये आपका जनरली जो है ये वाला कीवर्ड जो है आपका गूगल में डाला, राइट। इसके बाद मेरे को बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट मिला, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग गीकी रंजीत फॉर दिस वीडियो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेसिकली मेरे को इस टॉपिक के ऊपर में इनका वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली वो टेक्निकल स्टफ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं,
और उन्होंने वैसे देखिए उन्होंने बड़ा वो अलग तरीके से वीडियो को बनाया है, मे बी इसमें वो इसको पता नहीं प्रमोट कर रहे हैं या क्या पर्पस है उसका, तो आइडिया आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ इंफॉर्मेशन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर ये किसी को प्रमोट कर रहे होंगे तो टी डी एस है, मीटर है, परचेज डेकन हेराल्ड आर्टिकल, हाँ ये बेसिकली इस टी डी एस मीटर परचेज इसको प्रमोट कर रहे हैं अपने अमेजन के थ्रू से, तो इनका पर्पस कुछ और है और इसके थ्रू से इन्होंने कुछ रेफरेंसेस वगैरह भी दे रखे हैं और यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि इस चैनल पे ऊपर में जो टेक्निकल चैनल है इसके ऊपर में। अब ये देखो अब सिड टॉक है, ठीक है, अब सिड ने भी अपना जो है चैनल, इनका भी चैनल कुछ अलग है, ये भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मल्टीपल डेटा शेयर करते हैं, बट इसे कई बार ना चैनल ना गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। शुरुआत तो बहुत अच्छा होता है ऐसे चैनल का, बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन अगर आप इनके रीसेंट के वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो यूट्यूब ने जनरली क्या किया है ऐसे चैनल्स को ना बहुत ज्यादा ग्रो करना ना थोड़ा सा कम कर दिया। ऐसे तो उन्होंने वीडियोस, ये अच्छा चीज है कि ये वीडियोस ज्यादा नहीं बना रहे, वीडियोस कम ही बना रहे हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश में नहीं लग रहा। अब इनका मंथ में आई फील लास्ट 8 मंथ में इनके 4 वीडियोस आए, 1, 2, 3, 4, 5 वीडियोस आए 8 महीने में, और काफी वेल रिसर्च्ड वीडियोस होंगे, बहुत ज्यादा डेटा जो है वो वेल रिसर्च होगा, हर महीने में मतलब एक वीडियो डाल रहे हैं। तो जो अभी किसी का क्वेश्चन था कितने वीडियोस डालने थे, एक अगर आप महीने में 2-3 वीडियो भी डालते हो और अच्छे वीडियोस होते हैं तो आपका चैनल ग्रो करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मे बी ये शायद मल्टीपल नीश पे काम करते हो, इन्होंने हर एक टॉपिक के ऊपर में वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे चैनल ना कहीं ना लोग ना मतलब कि ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ना बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, या फिर इवन मैं आपको बता दूं जो कंपनीज पे करती हैं, जो कंपनीज जनरली पे करती हैं, मैं आपको अपना एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, अब इनके बारे में नहीं जिनके साथ हमारा डिस्कशन है, अगर मैं बताऊँ अगर आपको इस तरीके के चैनल पे फीचर होना है, राइट, एक इनके साथ में ब्रांड कोलैबोरेशन का वीडियो करना है, तो ये ब्रांड कोलैबोरेशन जनरली होता कैसे, किस बेसिस पे होता है, और जनरली मेरा टॉपिक यहाँ पे था, यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर में मैं एक पार्ट के ऊपर में चला गया था, इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हाउ चैनल्स गेट बेनिफिटेड। तो मैंने आपको शुरू होते ही आपको बताया था कि उसके बारे में लीड्स आता है, ठीक है, लीड्स बता दिया था कैसे मैं कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट दे रहा हूँ। सेकंड टॉपिक है एडसेंस आता है कि एडसेंस के थ्रू से आपको व्यूज आता है, एडसेंस के थ्रू से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो कि आपका 1 मिलियन व्यूज पे आपका एक अमाउंट बनता है, उतना अमाउंट एक्स वाई जेड अमाउंट आपका बन जाएगा। देन आपका एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंटली एग्जांपल बताया था गीकी रंजीत का, उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक डाल रखा था। देन आता है आपका ब्रांड कोलैबोरेशन, आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हो, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोई भी आप जनरली जैसे कि आप इनमें से इसी चैनल को जाते हैं देखते हैं, छोटा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, अभी 1 मिलियन भी इनका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इनका कोई भी वीडियो ओपन करोगे तो आपको कोई ना कोई बेसिकली आपको ब्रांड प्रमोशन आपको मिल ही जाएगा। लेट सपोज हम ये इस वीडियो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि ये ब्रांड कोलैबोरेशन है या कोई प्रमोशन है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट चेकआउट प्रोडक्ट्स, ये इनके साथ में एसोसिएशन है बेसिकली, तो इन्होंने इसके बारे में लिख रखा है कि हमने बेसिकली किस पर्पज से बनाया है नहीं बनाया है इस वीडियो के बारे में, उन्होंने शुरू में ही इसको डाल दिया, ये प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू से, और इसी के अंदर में इसी वीडियो के अंदर में सिर्फ 30 सेकंड तक का प्लेसमेंट होता है, सिर्फ 30 सेकंड का प्लेसमेंट, और समटाइम इवन लेस देन दैट, उतने का प्लेसमेंट होता है, और एक वीडियो के लिए दे कैन इजिली चार्ज, लेकिन ये जो कमिटमेंट होता है वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम का कमिटमेंट होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जब ब्रांड कोलैबोरेशन होता है जनरली, तो उस केस में आपका क्या है कि यहाँ पे अगर आप बनाते हो लेट सपोज आपके मैं जस्ट एक रैंडम डेटा पिक कर रहा हूँ, 1 मिलियन आपके व्यूज हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लीड बेसिस पे नहीं दे सकते हो, यहाँ पे लीड का कोई बेस नहीं है, यहाँ पे जो मॉडल चलता है वो व्यूज का मॉडल चलता है कि आप कितना व्यूज ला के दोगे, ठीक है। अगर ये जनरली एक व्यूज की बात करें 1 मिलियन के आसपास व्यूज देते हैं, तो ऐसे वीडियोज का जो चार्जेस होता है वो आपका मतलब ब्रांड अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट का 1 से 2 लाख के बीच में ये जनरली चार्ज करते हैं। 1 मिलियन व्यूज अगर इस पे आता है, और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे ही आप अगर
कोलैबोरेशन होता है आपका साथ में, आपके प्रोडक्ट को पुश किया जाता है। और यहीं पे नहीं, इन बिटवीन भी अगर आप देखोगे तो इन बिटवीन भी पुश किया गया। अगर आप देखो इतना बड़ा यूट्यूबर है कैरी मिनाती, है ना, आपने रिसेंटली कितने लोगों ने देखा था इसका रिसेंट वीडियो, देखा है कोई रिसेंट वीडियो? आप लोग बहुत लोग इसको मतलब नाम तो अभी बहुत हुआ था इस बंदे का। अब इनके इनके इस वीडियो में भी मैंने देखा इन्होंने एक मास्क को प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मास्क को प्रमोट किया हुआ है, ये वाला 30% डिस्काउंट, और ये भी कितने देर के लिए है, एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए है वीडियो में, वीडियो के अंदर प्लेसमेंट किया हुआ है। लेकिन व्यूज कितना है जनरली, 2.2 करोड़। अब तो हिंदी में दिखाने लग गया, पहले यहाँ पे अब करोड़ में दिखाता है। अगर आप जनरली उनके चैनल पे चेक करोगे तो आपको करोड़ में दिखाएगा व्यूज। अराउंड कितना हो गया, अराउंड हो गया 22 मिलियन के आसपास। तो अराउंड आपको अगर 10 से 12 लाख भी चार्ज करते हैं लेट सपोज, क्योंकि तो जितना ज्यादा जाता है उतना व्यू वो कम होता जाता है। तो सोचिए एक प्रोडक्ट कितना पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में, कि ये प्रोडक्ट जनरली जो है मास के लिए एक यूट्यूबर को 10 से 12 लाख रुपए पे कर रहा है, 10 से 12 लाख और इससे कम नहीं। इवन ये तो मैंने आपको इससे ज्यादा ही होगा, मैं तो एक क्योंकि अब इनसे मेरा डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जिनसे मैंने आपको एस्टिमेटेड दिया है उनसे मेरा बात है, तो वो उसका मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अगर आपको इस चैनल पे प्रमोट करना है तो आपको 72 इनका जो व्यूज कमिटमेंट होता है वो ऐसा होता है कि 150, इनके पुराने वीडियोज देखो ना तो आपको 150K के आसपास व्यूज मिल जाएंगे। तो चैनल का भी ना एक एवरेज व्यूज होता है, और वो आपको कमिटमेंट भी देते हैं कि हम आपको इतना व्यूज देंगे, आपको इतना देंगे, इतना नहीं देंगे। इसके इनके पुराने वीडियोस पे व्यू होगा, जैसे ये है 100K के आसपास सब में व्यूज है जनरली, आप इस वीडियो में भी देखोगे 100K के आसपास है। तो ऐसे वीडियोस आपको 70-80 के आसपास जो है आपको मिल जाता है। फिर यहीं पे इनके इनके इस चैनल पे जाऊंगा जहां पे इनका कमिटमेंट होता है कि हम आपको अराउंड जो है आपको 2 से 3 मिलियन का व्यू देंगे, ठीक है, 1 मंथ के अंदर में, 1 मंथ के जैसे 1.3 मिलियन, और सिर्फ यही नहीं, इनके और भी प्लेटफॉर्म सोशल प्लेटफॉर्म यहाँ वहाँ देंगे, आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि इन सब में ब्रांड पुश नहीं हो रहा है। अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ जनरली कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, रोमिंग का वीडियोस बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे वीडियोस बना रहे हैं, इनके वीडियोस के अंदर में भी अच्छा खासा ब्रांड पुश होता है और बड़ी बड़ी कंपनीज इसकी वो होती हैं। जनरली इनके वीडियोस के उसमें जाओगे तो आपको पंच लाइन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा बेसिकली प्रमोशन हुआ होगा इनका। यहाँ पे कोई वीडियो जो है आई फील पे पोस्ट नहीं किया है इन्होंने, किसी भी प्रोडक्ट को पोस्ट नहीं किया है। तो कई बार हो सकता है चैनल को ग्रो करने के पर्पज से भी किया जाता है, या फिर इसके अंदर में किसी और तरीके का पोस्ट हो, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस वीडियो को। जब आप डिटेल से देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या सा प्रमोशन हुआ नहीं है। लेकिन जनरली जितने भी वीडियोज होते हैं आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका आपको इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक जनरल एक रहता है एक तरीके से प्राइसिंग। आप सोच सकते हो कि यूट्यूब क्यों करना चाहिए, अगर आप लोग वर्कशॉप अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब को एज ए एक करियर अपॉर्चुनिटी बनाना, या फिर यूट्यूब को एज ए मार्केट आगे जाके एक फुल सस्टेनेबल एक मोड में लेके आना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक फ्रूटफुल बिजनेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो आपको काफ़ी सारा इससे इंफॉर्मेशन और डेटा जो है बेसिकली आपको इस बेसिस पे आपको जनरली आपको मिल जाएगा सर। इस टॉपिक पे किसी का कोई क्वेश्चन, अर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि सर क्या होता है कि नए यूट्यूबर कैसे अर्न करेंगे ये वो, तो वो आप बता सकते हो। मैं आपको ऐसे भी एग्जाम्पल बताऊंगा कि यूट्यूब पे आपके 10,000 फॉलोअर्स होते हैं और 10,000 फॉलोअर के बेसिस पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसका मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, एक इसी टॉपिक से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रियंजलि मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन मैं आपको आपके पॉइंट को लेता हूँ, आपके क्वेश्चन को लेता हूँ। लेट सपोज आपके माइंड में आ गया कि कैसे इसका बेनिफिट होगा। अब लेट सपोज मैं लिखता हूँ व्हाट इज रीमार्केटिंग एड्स, मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ व्हाट इज रीमार्केटिंग एड्स। यहाँ पे मेरे को लेट सपोज कोई भी वीडियो मिल गया, आप जैसे हाउ रीमार्केटिंग वर्क्स, ठीक है, ये वाला वीडियो मेरे को मिल गया। अब लेट सपोज तो मैं इस वीडियो के ऊपर में गया, यहाँ पे व्यूज के बेसिस पे मैं आया हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यूज मेरे को मिला डिजिटल गराज के, यहाँ पे तो कमेंट्स बेसिकली टर्न ऑफ है। तो यहाँ पे जैसे लेट सपोज इस पे चला जाता हूँ, ये भी बड़ा फेमस बेसिकली वो है यूट्यूबर है,
तो इनके इनके वीडियो पे मैं गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, हार्डली 14,000 के आसपास जो है इनके सब्सक्राइबर हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ 36,000 व्यूज के बेसिस पे भी बहुत अच्छा वीडियोज जो है बेसिकली रिजल्ट जनरेट कर रहा होगा। जो भी इनका कोर पर्पस होगा, कोर ऑब्जेक्टिव होगा, वो फुलफिल हो रहा होगा। यहाँ पे 1 मिलियन व्यूज नहीं है, यहाँ पे चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए अगर बनाया गया है, किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, तो ये बहुत अच्छा व्यूज है। और ये कम से कम ऐसे चैनल, यहाँ पे जब मैं लीड की बात करूंगा, एक एक एक, एक जनरली क्या होता है आपका 10,000 व्यूज पे अगर आपने किसी लीड के पर्पस से बनाया, अगर आपके जनरली आपके होता है तो आपके पास में इतना तो पक्का है कि आपके पास में 25 से, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि रिसेंटली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं यूट्यूब पे, छोटे छोटे इंटरव्यूज ही हैं, बट मैंने इतना पहले नहीं सोचा था जितना मैं पहले मतलब चैनल्स पे वर्क किया था, अब मैंने खुद भी थोड़ा सा वीडियोस पे काम करना चालू किया है, तो मुझे इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है कि 25 से 30 स्ट्रांग लीड्स यू कैन जनरेट 10,000 व्यूज पे। लेकिन 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 गाइज, आपको ये चीज बहुत ज्यादा आपको समझना जरूरी है कि उस कीवर्ड के पीछे में इंटेंशन क्या है, क्या वो सर्च इंटेंट का कीवर्ड है या वो बिजनेस इंटेंट का कीवर्ड है, वो कीवर्ड किस पर्पस से है। अगर वो नॉर्मली सर्च इंटेंट का कीवर्ड है तो आपका जनरेट नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नोट पैड भी लेके आता हूँ मैं आपको। जनरली आपका क्या है कि अगर आपने लिखा लाइक व्हाट इज रीमार्केटिंग, ठीक है, और आपने लिखा हाउ रीमार्केटिंग वर्क्स, या आपने लिखा यहाँ पे रीमार्केटिंग रीमार्केटिंग एड्स, ठीक है, व्हाट इज रीमार्केटिंग, यहाँ पे जो व्यूज आएगा ज्यादा आएगा, हाई नंबर ऑफ व्यूज, क्योंकि जिसको कुछ बेसिकली पता ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है जनरली क्या होगा, जो आपका व्यूज ज्यादा आएगा, कन्वर्जन जो है थोड़ा सा कम होगा ड्रास्टिकली। हाउ रीमार्केटिंग वर्क्स, ये थोड़ा सा स्मार्ट बंदा सर्च करेगा, आप खुद सोचो कि उसको पता है कि जनरली थोड़ा बहुत उसको ब्रीफ है, तो वो व्हाट इज ना लिख के वो कहता, वो सब फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करेगा, काफी हद तक रेलिवेंट है। यहाँ पे भी व्यूज आएगा बट थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब व्यूज व्हाट इज रीमार्केटिंग से कम होगा, कन्वर्जन थोड़ा सा परसेंटेज उसका बिट लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट, राइट। यहाँ पे चांसेस है कि लो व्यूज होगा, लेकिन यहाँ पे लगे बेस्ट ऐसा हो सकता है, बेस्ट रीमार्केटिंग एड्स एक्सपर्ट, ठीक है, ऐसा कुछ सर्च कर दे। थोड़ा सा मैं क्वेरी को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, एक तरीके से आपका वो आ गया इम्पैक्ट, वो आ गया आपका यूजर इंटेंट जो है चेंज हो गया, ट्रांजेक्शनल एक तरीके से कीवर्ड हो गया, और एक तरीके से इसके पीछे में एक स्ट्रांग इंटेंट है कि किसी को बेस्ट रीमार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, तो यहाँ पे लो व्यूज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सर्च करते हैं व्हाट इज रीमार्केटिंग, एक ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन कौन पूछता है, लेकिन कन्वर्जन ज्यादा होगा। तो कई लोग ना ये चीजें नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं ना यार कि सिर्फ व्यूज के पीछे भागते रहे, यार आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइबर भी है ना, इफ यू हैव ओनली 500 सब्सक्राइबर और आपके चैनल पे अच्छा व्यूज आ रहा है, अच्छे मतलब कि लोग आ रहे हैं आपके चैनल पे, तो आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। और आप देखना वो चैनल जब 10,000 हो जाएगा ना आपका सब्सक्राइबर, तो आपको डेली 5 से 6 लीड ला के देगा डेली, इतना कोई ब्लॉग ला के नहीं देगा, इतना कोई आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ला के नहीं देगा, आपका फेसबुक ला के नहीं देगा, राइट। हाँ, कुछ क्वेश्चन है इस पर मैं ले लेता हूँ, जिसका कोई भी क्वेश्चन है, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है आप लोगों का। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ बताओ। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर वीडियो को प्रमोट करेंगे हम तो उसका कुछ एडवांटेज मिलेगा? प्रमोट इन द सेंस प्रमोट, जैसे बहुत से लोग वीडियोस को अपने प्रमोट करते हैं, एड्स चलाना नहीं, एड्स नहीं, अपने वीडियोस को ही प्रमोट करना, कोई भी वीडियो हो आपकी कॉमेडी वीडियो, उसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, पैसा देके प्रमोट करना चाह रहा हूँ YouTube को, राइट। तो ऐसे प्रमोट कर सकता हूँ क्या, और उसका अगर प्रमोट किया तो क्या एडवांटेज मिलेगा?
आप प्रमोट कैसे करना चाहते हो, थोड़ा सा मेरे को बताओ ना, कैसे आप किस तरीके से प्रमोट करना चाहते हो? सर जैसे कि मैंने कोई वीडियो बनाई, आपको बहुत बहुत कम व्यूज आ रहा है उस वीडियो पे, राइट? अब मैंने उसको प्रमोट कर दिया, ठीक है, कुछ पैसे लगा दिए उस वीडियो को ही पूरा प्रमोट कर दिया, एड्स चलाया आपने, प्रमोट कर दिया, राइट, वही चीज हो गया, आपने एड्स चला दिया उस पे, आपने उसको प्रमोट कर दिया, वही मैं पूछ रहा था इनिशियली। तो देखो कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक वो सही है कि आप उसको वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो, आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस दिखते हैं जो आपको आप प्रमोट दिखते हैं, लेकिन आप कहोगे इसे बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा तो वो चेंज नहीं आएगा। और इंस्टेंट के लिए अगर आप री मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, अगर आप व्यूज के लिए कर रहे हो तो ठीक है, आपको चैनल पे कुछ व्यूज भी दिखाना पड़ता है, आप कुछ कुछ वीडियोज को पुश कर सकते हो, बट आपको बहुत ज्यादा अमाउंट उस पर व्यूज के लिए स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आप बीच में टाइम टू टाइम अगर नया चैनल है तो हो तो, क्योंकि आप पे अननेसेसरी बर्डन आएगा, अब कुछ कुछ अमाउंट के साथ में उसको व्यूज, क्योंकि कई बार मैं आपको सच्चाई बताऊं कि कई बार लोग चैनल को क्यों फॉलो करते हैं या फिर वीडियोस को क्यों देखते हैं, देर आर फैक्टर्स बताता हूं मैं आपको क्यों फॉलो करते हैं, सिर्फ व्यूज देख के फॉलो कर लेते हैं, राइट, सब्सक्राइबर काउंट देख के फॉलो कर लेते हैं, लाइक्स एंड कमेंट देख के फॉलो कर लेते हैं, और क्या हो सकता है, ऐसे चार पांच फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे लोग दूसरे के वीडियोस को चेक करना शुरू कर देते। तो वहां पे जो आप जब आपका व्यूज की बात आएगा तो आप ऑर्गेनिक ज्यादा रखो, लेकिन अगर आपके वीडियोस बिल्कुल ही पुश नहीं हो रहे और आपको लग रहा है कि उसको जरूरत है पुश की, तो आपको आपको प्रमोशन आप ऐड चला सकते हो, यू कैन ऐड, देर आर टू वेज ऑफ रनिंग यूट्यूब एड्स, जो कि बेसिकली आपका आता है, इसको बोलते हैं हम लोग CPV मॉडल एंड CPM मॉडल, ठीक है, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बेसिकली रन करने के लिए आपको गूगल ऐड का वो नॉलेज होना चाहिए, और तो उसके बारे में आपको उससे ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि CPV मॉडल क्या होता है और CPM मॉडल क्या होता है। तो जनरली मेरा जो क्लास चल रहा है गूगल एड्स का, उसमें मैं उस टॉपिक को अभी नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बाद कवर करूँगा कि CPV मॉडल और CPM मॉडल बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो यू कैन स्टडी अबाउट इट, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा मिल जाएगा इसके बारे में भी, ये दोनों कैसे काम करता है, आपको किस किस तरीके से आपको बेसिकली ऐड चलाने चाहिए, चलाओ बट कोशिश करो कम चलाने की। ओके सर, सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, ये कॉपीराइट, मतलब कि मैं एक पर्सन से मिला था तो वो कह रहा था अगर यूट्यूब में अगर 30 सेकंड्स का कोई गाना लेते हो तो यूट्यूब आपका कॉपीराइट नहीं लगाता है, और मैंने काफी सारे न्यूज यूट्यूब चैनल्स में भी ऐसा देखा है। ऐसा जनरली देखो कॉपीराइट ना कई बार आप 30 सेकंड क्या, उससे आपको जनरली कम पे भी कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, ऐसा नहीं है कि आप 30 सेकंड लेते हो तो इसी का रीजन है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं बेसिकली अवॉइड करते हैं आपका दूसरे के वीडियो से या सॉन्ग्स लेना, देर आर सो मेनी फ्री सोर्सेज अवेलेबल ऑल्सो, तो आप वो फ्री सोर्सेज का डेटा यूज कर सकते हो अपने वीडियोज में, अगर आपको सॉन्ग ही इंडल्ज करना है या सॉन्ग ही उसको अपने वीडियो में लगाना है तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट अवॉइड करो कि एक्सटर्नल म्यूजिक को या फिर किसी सॉन्ग का म्यूजिक को इवन 30 सेकंड के लिए भी अप्लाई करना, तो कई बार उस पर कॉपीराइट उस पर भी कॉपीराइट आपका क्लेम आ जाता है, तो ये चांसेस आपके रहते हैं, ऐसा नहीं आप उसे बच जाओगे। तो कुछ सोर्सेज हैं जहाँ पे लास्ट टाइम भी सेशन में बताया था इवन कि कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप फ्री में जो है वो आप उठा सकते हो, मैं कल सतीश से भी बोलूंगा कि वो आपको एक बार सोर्सेज भी शेयर कर दे उसके बारे में, राइट? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए मेरा सब्सक्राइबर डेटा मेरा मोनेटाइज हो गया है चैनल, ठीक है, मान लीजिए 2 साल हो गया मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल, मैं कंटेंट कितने सब्सक्राइबर है आपके? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी जो कजन है, हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया था मैरिड मींस करके, तो हम लोगों को 2 साल लगा था उस चैनल को, 2 साल लगा है मोनेटाइज करने के लिए, बट जो व्यूज आते हैं ना वो जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो 200 या 300 ही वीडियो व्यूज आ पा रहे हैं, ठीक है, सो मेरे को ये पूछना था कि अभी बिकॉज व्यूज वो बढ़ नहीं रहे, तो ऐसा भी होता है कि यूट्यूब आपको अनक्वालिफाइड कर देता है फिर मोनेटाइज मतलब डीमोनेटाइज कर देगा एज एन आपको पेड बेनिफिट? जनरली करता नहीं है वो, आपको ऐसा कि अगर आपका व्यूज अगर आपको आपको एक बार वो कर दिया है कि तो आपको जल्दी डिसेबल नहीं करता है आपको आपके चैनल को, एक बार किसी को एडसेंस अप्रूव कर दिया तो वो जल्दी डिसेबल नहीं करता है आपके चैनल के ऊपर में, लेकिन अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो आपको अर्निंग भी कुछ नहीं होगा, तो इट्स
मतलब आप नहीं, अभी एड्स आ रहे हैं, एड्स रन हो रहे हैं ऑलरेडी, पर हाँ ये कंसर्न है क्योंकि व्यूज नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप उस पे टॉपिक्स पे थोड़ा सा रिसर्च करो, और टॉपिक्स पे क्या ऐसे टॉपिक्स किए जा सकते हैं, या फिर मोमेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, जैसे रीसेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना, उससे भी काफी कई बार आपको पुश मिल जाता है, या फिर कई बार आप कोलैबोरेशन में भी वीडियोस बनाते हो, उससे भी कई बार वीडियोस ना बहुत ज्यादा पुश मिल जाता है, किसी और यूट्यूबर के थ्रू से कोलैबोरेट करना, अपने चैनल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देना, और अगर स्टिल फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आपको चैनल को थोड़ा सा मतलब कि एनालिसिस करने की जरूरत है कि कौन से वीडियोस, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जो ग्रो कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। एग्जैक्टली यही होता है। हाँ, तो वो जनरली फिर उनको आपस में लिंक करना, उनका प्लेलिस्ट बनाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिस्टेक्स होंगे, अगर उसको आप क्लब कर देते हो तो आपका चैनल जो है फिर से वो ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है सर जी। सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि टेक्निकल गुरु जी है, ठीक है, वो जो है मोबाइल प्रमोट करता है, तो शुरुआत में तो उसको काफी स्पेंड करना होगा, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें ज्यादा स्पेंड भी ना करना पड़े और हम किसी गैजेट के बारे में एक रिव्यू दे सके थोड़ा सा। देखो इंस्टेंटली किसी को भी अगर हम मार्केट में बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी को भी बहुत ज्यादा रीच नहीं मिल जाता, यहीं पे बहुत सारे यूट्यूबर अपनी जर्नी खत्म कर लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर कि हमें व्यूज नहीं आ रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये वैसा ही है जैसा आप SEO करते हो, गूगल ऐड करते हो, फेसबुक करते हो, कुछ भी करते हो लाइफ में, इट टेक्स सम टाइम, और वो उसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। आप जब तक आप एक एक्सपेरिमेंट पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आप एक 30 या 40 वीडियोस के एक्सपेरिमेंट पे नहीं पहुंच जाते, आपको 100% आपका कोई ना कोई वीडियो क्लिक करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो क्वालिटी इश्यूज हैं, आपके बोलने में इश्यूज हैं, आपका कैमरा खराब है, या फिर जो एंगल से आप बना रहे हो वो अच्छा नहीं है, आपको फीडबैक भी मिल जाएगा। जैसे ही आप 30-40 वीडियोस बनाते हो ना, आपको बहुत हद तक फीडबैक मिल जाता है कि आपकी वीडियोस में क्या इश्यूज हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कुछ लोगों का फीडबैक भी लेने की कोशिश करो कि आपको मेरे वीडियोस में आपको क्या इश्यू लग रहा है, क्या प्रॉब्लम लग रहा है, और धीरे धीरे आपके कुछ जो है वो ग्रोज होना चालू होंगे। और रीसेंट गैजेट्स पे बनाओ, जो रीसेंट गैजेट हो जिसके बारे में ऑलरेडी कुछ यूट्यूबर, और ऐसे कुछ टॉपिक्स उठाओ, आप अपडेटेड रहो मार्केट के साथ में, कुछ अच्छे टेक ब्लॉग्स या टेक्स वो फॉलो करो, जैसे ही कुछ मार्केट में अच्छा कुछ आता है, और हमेशा ना और पेड कोलैबोरेशन का वेट मत करो, कई बार आप उसको फ्री में भी करो, क्या क्योंकि कई बार बड़े बड़े यूट्यूब चैनल मैंने देखे जो विदाउट एनी आपका बेनिफिट्स के वीडियो बनाते हैं, हाँ एडसेंस है लेकिन फिर भी विदाउट बेनिफिट्स के वीडियो बनाते हैं ताकि उनका चैनल जो है व्यूज आने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कोलैबोरेशन मिल जाएगा। राइट सर, शुरुआत में तो मुझे कोई ना कोई गैजेट खरीदना ही पड़ेगा ना, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे गैजेट मैं खरीद कर रिव्यू करूं, तो उसका सलूशन क्या है, उसका अल्टरनेटिव क्या है कि कैसे मैं गैजेट को प्रमोट करूं कोई भी, जैसे अगर मैं नया यूट्यूब चैनल है, क्योंकि शुरुआत में तो पॉसिबल नहीं है, काफी कॉस्टली भी पड़ जाएगा मुझे। नहीं इनिशियली तो देखिए, आप जितने भी आपके बेसिकली यूट्यूबर होते हैं ना, वो सारे गैजेट्स तो जनरली वो बाय भी नहीं करते, उस केस में वो लोग अपना आपस में एक टीम बनाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर का अपना एक कम्युनिटी होता है या ग्रुप्स होते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके भी गैजेट्स का एक्सचेंज करते हैं या फिर गैजेट्स शेयर करते हैं, और उसके थ्रू से भी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं कि अब आज मैंने बनाया तो कल तुम बना सकते हो, कि तुम्हें ब्रांड भी इनिशियली ना कोई भी आपको इनिशियली गैजेट्स नहीं भेजेगा, वो बड़े यूट्यूबर के लिए ही होता है कि गैजेट्स जो उनको आते हैं, तो इनिशियल पॉइंट में ये एक बड़ा एक चैलेंज है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप टाई अप कर सकते हो कुछ यूट्यूबर्स के साथ में, कुछ कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी यूट्यूबर्स की ऑलरेडी कम्युनिटीज हैं, आपको थोड़ा सा उसको सर्च करोगे आपको बहुत सारी कम्युनिटीज मिलेंगी जहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, और उनके थ्रू से आप उनके उनसे कोलैबोरेशन करके बना सकते हो, और कुछ ऑनलाइन वगैरह भी रेफरेंस से भी आप कर सकते हो, PR provides them gadget for review, right, PR teams भी उनको दे सकती हैं, प्रोवाइड करवा सकती हैं, और लेकिन वो बार्टर सिस्टम पे होता है, जो बार्टर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अगर हम बात करें तो, कि अगर आप उनको उनके ऊपर में वीडियोस बनाते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए आपको गैजेट्स देते हैं, देन वो आपको आप उनको रिटर्न कर देते हो जो भी उनका गैजेट है, ये चलता है। आपको इसके लिए मैं आपको कुछ कम्युनिटीज वगैरह बता दूंगा जिसके थ्रू से आप जो है PR टीम से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ PR इवन एक बहुत फेसबुक कम्युनिटी फेमस कम्युनिटी है मीडिया मूवमेंट के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे PR टीम्स आपको जनरली बार्टर सिस्टम पे, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम पे काम करते हैं, एक्सचेंज पॉलिसी पे काम करते हैं, आप कर सकते हो उसके बेसिस पे।
मतलब आपने वीडियो बनाया, उन्होंने आपको गैजेट दिया, फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा उनको गैजेट, या फिर सेम कुछ टाइम्स को वो एक्सचेंज होता है वो आप कर सकते हो, उसके लिए उनकी कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज होती हैं वो आपको साइन करना पड़ता है। इसको मैं टॉपिक को मैं अभी बस कंक्लूजन पे ही वो कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरली आपको मैंने ये सब बता दिया कि ये सब फैक्टर्स अगर आपके हो जाते हैं ना उस बेसिस पे भी आप ग्रो कर सकते हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में सिर्फ आपको व्यूज के लिए नहीं जाना है, आपको बेनिफिट्स पे जाना है आपको, क्योंकि मैंने आपको ऐसे हजारों एग्जांपल्स बता दूंगा जहां पे प्लीज माइक वो कर लीजिए। म्यूट रखिए प्लीज, राइट। अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बता दूंगा जहां पे लोग वीडियोस बनाते हैं, उनका पर्पस ये नहीं होता है कि मेरे को एडसेंस से अर्निंग हो जाए, मेरे को एफिलिएट, वहां पे पर्पस होता है उनको लीड से बेनिफिट मिल जाए। तो मैंने आपको रविशंकर प्लीज आप इसको म्यूट रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट मिल जाएंगे जिसके थ्रू से आप अपने चैनल्स को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या फिर उस पर वर्कआउट जो है बेसिकली कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो चैनल सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए हैं कि उनको वहां से लीड मिल जाए। लीड के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, और बाकी सारी चीजें ना कल के सेशन में भी आपको बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हम लोग बेसिकली FAQs पे फोकस करते हैं, और आप लोगों को कुछ मेरे से डिटेल में जानना होगा तो आप लोग मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट पे भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट, ईमेल भी कर सकते हो, PMS को आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं है शेयर करूंगा, तो मैं आपको बाद में आपको पर्सनल नंबर मैं आपको दे दूंगा अपना, राइट, आप वहां से अपने थ्रू से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरे से क्वेरी या क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहां पे मैं मोस्टली अवेलेबल रहता हूं, तो शायद आपका वहां से मैं आपको क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर पाऊंगा। ये मेरा ग्रुप है फेसबुक, काफ़ी फेमस ग्रुप है, अराउंड 14,000 मेंबर्स हैं इसमें, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप मेरे को टैग भी कर सकते हो और यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, राइट। ये मेरा ग्रुप है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, और यहाँ पे आप ज्वाइन करके मेरे को टैग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल ओवर हियर, तो आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप मेरे को टैग करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा मैं कन्वीनियंट रहूंगा आपके लिए, अवेलेबिलिटी थोड़ी इजी रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडे, और आप लोगों का कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। डेफिनेटली आई विल डू आफ्टर दिस सेशन, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इस सेशन के बाद मैं शेयर कर दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे मेरे इस चैनल के मैं इस चैनल के अंदर मैंने सारा कुछ मैंने दे दिया, मैं आपको PPT भी शेयर कर दूंगा, और आपका कोई भी क्वेरी डाउट होगा आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोगों का कोई क्वेरी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। कल सेम टाइम पे 7 to 9 सतीश ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग उस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए स्किलफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस सेशन में भी। और आज का सेशन कैसा रहा, आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिला, डेटा मिला, कुछ समझ में आया, यस नो, फीडबैक टाइम गाइज, आप लोगों को कैसा लगा सेशन के, मतलब कि समझ में आया नहीं आया, हाउ वॉज योर लर्निंग एक्सपीरियंस। ग्रेट, सो गाइज आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा और डिटेल में जाइए, क्योंकि और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और अर्निंग का एक वेज नहीं है, लॉट ऑफ वेज हैं, अर्निंग आप एक तरीके से नहीं कर सकते। इफ़ यू आर थिंकिंग कि एडसेंस पे पैसे नहीं आ रहे तो दैट्स इट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देर आर लॉट ऑफ वेज इसके थ्रू से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, थैंक यू सो मच गाइज, और मैं अपना नंबर जो है पर्सनल चैट पे डाल देता हूँ, और मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने के बाद।